اللهم صل على محمد و آله وصحبه وسلم अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत वाला है इमाम मालिक ने खबर दी उन्हें इब्ने शहाब ने उन्हें सुलेमान बिन यसार ने और उनसे अब्दुल्ला बिन अब्बास عباس ने बयान किया कि फजल बिन अब्बास में وسلم کے ساتھ सवारी के पीछे बैठे हुए थे कि कबीला ख़शम की एक ख़ूबसूरत औरत आई फजल उसको देखने लगे वो भी उन्हें देख रही थी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़ल का चेहरा बार बार दूसरी तरफ मोड़ देना चाहते थे उस औरत ने कहा कि या रसूल अल्लाह अल्लाह का फरीज हज मेरे वालिद के लिए अदा करना ज़रूरी हो गया है लेकिन वो बहुत बूढ़े हैं ऊँटनी पर बैठ नहीं सकते क्या मैं उनकी तरफ से हज बदल कर सकती हूँ आ हज़ूर सल्लाम ने फ़रमाया कि हाँ ये हजतल का वाक़ था सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ तेरह अब्दुल्लह बिन वहाब ने ख़बर दी उन्हें यूनुस ने उन्हें इब्न शहाब ने कि सालिम बिन अब्दुल्ल बिन उमर ने उन्हें ख़बर दी उनसे अब्दुल्लह बिन उमर ने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीफा में देखा कि अपनी सवारी पर चढ़ रहे हैं फिर जब वो सीधी खड़ी हुई तो आप सल्हुह वम ने लब्बैक कहा सही बुखारी हदीस समर एक हज़ार पाँच सौ चौदह इमाम ओजाई ने बयान किया उन्होंने आताबिन नबी रबाह से सुना वो जाबिर बिन अब्दुल्लह अंसारी रदी अल्लाहों से बयान करते थे कि रसूल्ला सल्लाम ने हलीफ़ा से अहराम बाँधा जब सवारी आपको लेकर सीधी खड़ी हो गई इब्राहिम बिन मूसा की यह हदीस इब्ने अब्बास और अनस रद्ह से भी मरवी है सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ पंद्रह और अबान ने कहा हमसे मालिक बिन दीनार ने बयान किया उनसे कासिम बिन मोहम्मद ने और उनसे आयशा रदी ने कि नबी करीम सली ने उनके साथ उनके भाई अब्दुलरहमान को भेजा और उन्होंने आयशा र को तनाइम से उम्र कराया और पालान की पिछली लकड़ी पर उनको बिठा लिया हजरत हज़रतमर रदी अलान्हों ने फरमाया कि हज के लिए पालाने बांध क्योंकि ये भी एक जहाद है सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार पाँच सौ सो सोलह सामामा बिन अब्दुल्ला बिन अनस ने बयान किया कि हज़रत अनस रदी अल्लाह एक पालान पर हज के लिए तशरीफ ले गए और आप बखील नहीं थे आपने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पालान पर हज के लिए तशरीफ़ ले गए थे इसी पर आपका असबाब भी लदा हुआ था सही बुखारी हदीस नंबर 1517। कासिम बिन मोहम्मद ने बयान किया और उनसे आयशा रदी अल्लाह ने कि उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आप लोगों ने तो उमरा कर लिया लेकिन मैं न कर सकी इसलिए आ हज़ूर वसल्लम ने फ़रमाया रहमान अपनी बहन को ले जा और इन्हें तनाइम से उम्र ला चनाचा उन्होंने अल्लाहु रजी को अपने ऊँट के पीछे बिठाया और आयशर ने नेमर अदा किया सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ अट्ठारह सईद बिन वसेब ने बयान किया और उनसे अबू हुरेरा रजी अल्लाह ने कि नबी करीम सल्लास से किसी ने पूछा कि कौन सा काम बेहतर है आप सल असलम ने फ़रमाया कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना पूछा गया कि फिर इसके बाद आपने फ़रमाया कि अल्लाह के रास्ते में जहाद करना फिर पूछा गया कि फिर इसके बाद आप ने फ़रमाया कि हज मबरूर सही बुखारी हदीसतमर एक हज़ार पाँच सौ उन्नीस अबीब बिन अबी उम्र ने ख़बर दी उन्हें आयशा बिनते तलहा ने और उन्हें हजरत आयशा सदीक़ारदी अल्लाह ने कहा कि उन्होंने पूछा या रसूल वसल्लम, हम देखते हैं कि जहाद सब नेक कामों से बढ़कर है फिर हम भी क्यों ना जहाद करें आज़ूर सल्ला वसलम ने फरमाया कि नहीं बल्कि सबसे अफजल जहाद हज है जो मबरूर हो सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार अबुल सौ बीस सैार ने बयान किया कहा कि मैंने अबू हज़म से सुना उन्होंने बयान किया मैंने अबू हुरेरा रजी अल्ला से सुना और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना आपने फ़रमाया जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस शान के साथ हज किया कि न कोई फ़ाश बात हुई और न कोई गुनाह तो वो उस दिन की तरह वापस होगा जैसे उसकी मां ने उसे जना था सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ इक्कीस जैद बिन जबीर ने बयान किया कि वो अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह उन्होंने की क्याम गाह पर हाजिर हुए वहां कनात के साथ शामियाना लगा हुआ था जैद बिन जबीर ने कहा कि मैंने पूछा कि किस जगह से उम्र का अहराम बांधना चाहिए अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद वालों के लिए करन मदीना वालों के लिए जुलीफा और शाम वालों के लिए जुहफा मुकरर किया है सही बुखारी हदीस नंबर 1522 अकरमा ने बयान किया और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ने बयान किया कि यमन के लोग रास्ते का खर्च साथ लाए बग़ैर हज के लिए आ जाते थे कहते तो ये थे कि हम तवक्कल करते हैं लेकिन जब मक्का आते तो लोगों से मांगने लगते इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फ़रमाई और तोशा ले लिया करो कि सबसे बेहतर तोशा तो तकवाही है इसको इब्ने आयीना ने उम्रों से बवास्ता आक्रमा मरसला नक़ल किया है सही बुखारी हदीस नंबर 1523 मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया कहा कि हमसे से, बयान हम से ने बयान किया कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन ताउस ने बयान किया उनसे उनके बाप ने और उनसे इब्ने अब्बास रदी अल्लाहने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के अहराम के लिए हलीफा शाम वालों के लिए चौहफा नजद वालों के लिए करन मनाजिल यमन वालों के लिए यलमलम मुतिन किया यहाँ से इन मकाम वाले भी अहराम बांध और इनके अलावा वो लोग भी जो इन रास्तों से आएँ और हज या उम्र का इरादा रखते हों लेकिन जिनका क़्याम निकात और मक् के दरमियान है तो वह अहराम उसी जगह से बांधें जहाँ से उन्हें सफ़र शुरू करना है जहाँ तक कि मक् के लोग मक् से अहराम बांधें। सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ चौबीस इमाम मालिक ने खबर दी उन्हें नाफ़े ने और उन्हें अब्दुल्लाह बिन उमर रदील्हों ने कि रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मदीना के लोग जोलीफा से अहराम बांध शाम के लोग जहफा से और नजद के लोग करण मनाजिल से अब्दुल्लाह ने कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और यमन के लोग यलमलम से अहरामबान हैं सही बुखारी हदीस नंबर 1525 ताउस ने बयान किया और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए ज़ुलहलीफा को मीकात मुकरर किया शाम वालों के लिए जोहफा, नजद वालों के लिए करन मनाजिल और यमन वालों के लिए यलमलम ये मक़़ उन मुल्क वालों के लिए हैं और उन लोगों के लिए भी जो इन मुल्कों से गुज़र कर हरम में दाखिल हों और हज या उम्र का इरादा रखते हों लेकिन जो लोग मक़ात के अंदर रहते हों उनके लिए अहराम बांधने की जगह उनके घर हैं यहाँ तक कि मक्के के लोग अहराम मक्के ही से बांधें सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ छब्बीस सुफ़ियान बिन आइना ने बयान किया कहा कि हमने ज़ाहरी से यह हदीस याद रखी उनसे सालिम ने कहा और उनसे उनके वालिद ने बयान किया था कि रसूल अल्लाह वसल्लम ने मीकात मुतय्यन कर दिए थे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार सौ सत्ताईस दूसरी सनद और इमाम बुखारी ने कहा कि मुझसे अहमद ने बयान किया कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया कहा कि मुझे यूनुस ने ख़बर दी उन्हें इब्ने शहाब ने उन्हें सालिम बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना आपने फ़रमाया था कि मदीना वालों के लिए अहराम बांधने की जगह जुलहलीफ़ा और शाम वालों के लिए महिया यानी जहफ़ा और नजद वालों के लिए करन मनाजिल अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि लोग कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि यमन वाले अहराम यलमलम से बांधे लेकिन मैंने उसे आपसे नहीं सुना सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ अट्ठाईस हम्माद बिन जैद ने बयान किया उन्होंने कहा कि हमसे उमर बिन दीनार ने उनसे ताउस ने और उनसे इबन अब्बास रजी अल्लाहने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए जोलीफ़ा में क़ात ठहराया और शाम वालों के लिए जहफ़ा यमन वालों के लिए यलमलम और नजद वालों के लिए करन मनाजिल ये इन मुल्कों के लोगों के लिए हैं और दूसरे इन तमाम लोगों के लिए भी जो इन मुल्कों से गुज़रें और हज और उम्र का इरादा रखते हों लेकिन जो लोग मीकात के अंदर रहते हों तो वो अपने शहरों से अहराम बांधें ताकि मक्के के लोग मक्के ही से अहराम बांधें सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ उनतीस अब्दुल्लह बिन ताऊस ने बयान किया उनसे उनके बाप ने और उनसे अपने अब्बास रदी अल्लाहों ने कि नबी करीम अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए हलीफ़ा मुकर किया शाम वालों के लिए जहफ़ा नजद वालों के लिए करन मनाजिल और यमन वालों के लिए यलमलम ये इन मुल्कों के बाशिंदों के लिए मक़ात हैं और तमाम इन दूसरे मुसलमानों के लिए भी जो इन मुल्कों से गुज़र कर आएं। और हज और उम्र का इरादा रखते हों लेकिन जो लोग मीकात के अंदर रहते हैं तो वो अहराम वहीं से बांधें जहां से सफ़र शुरू करें ताकि के मक्के के लोग अहराम मक्के ही से बांधें सही बुखारी हदीस नंबर 1530। उबैदुल्लाह उमरी ने नाफ़े से बयान किया और उनसे अब्दुल्ला बिन उमर रदी ने कि जब ये दो शहर बसरा और कूफा फतह हुए तो लोग हज़रत उमर रदी के पास आए और कहा कि या अमर उमोमिन रसूल्ला अलैहि वसल्लम ने नजद के लोगों के लिए अहराम बांधने की जगह करण मनाजिल करार दी है और हमारा रास्ता उधर से नहीं है अगर हम करण की तरफ जाएं तो हमारे लिए बड़ी दुश्वारी होगी इस पर हज़रतुमर ने फरमाया कि फिर तुम अपने रास्ते में इसके बराबर कोई चीज़ तजवीज़ कर लो चुनाचा उनके लिए ज़ात अरक़ की तयन कर दी सही बुखारी हदीस नंबर स इमाम मालिक ने खबर दी उन्हें नाफ़े ने उन्हें अब्दुल्ला बिनुमर रजी ने कि रसूल अलैहि वसल्लम ने मकामजुल हलीफ़ा के पथरीले मैदान में सवारी रोकी और फिर वहीं आप अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी अब्दुल्लह बिनुमर रजी भी ऐसा ही किया करते थे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ बत्तीस अबैदल्ल उमरी ने बयान किया उनसे नाफ़े ने बयान किया उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर अब्दुल्लाबिनुमर रद्ला ने बयान किया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शजरा के रास्ते से गुजरते हुए मारस के रास्ते से मदीने आते नबी अक्रम सल्ह वसम जब मक्का जाते तो शजरा की मस्जिद में नमाज़ पढ़ते लेकिन वापसी में जुलहलिफा के नशेब में नमाज़ पढ़ते आप रात वहीं गुज़ारते ताकि सुबह हो जाती सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार सौ इमाम ओजाई ने बयान किया कहा कि हमसे याहिया बिन अभी कसीर ने बयान किया उनसे अकरमा ने बयान किया उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ील्हू से सुना वो बयान करते थे कि मैंने उमर रज़ील्हू से सुना उनका बयान था कि मैंने रसूल वसल्लम से अकीक में सुना आपने फ़रमाया था रात मेरे पास मेरे रब का एक फरिश्ता आया और कहा कि इस मुबारकबादी में नमाज पढ़ और ऐलान कर कि उम्र हज में शरीक हो गया सही बुखारी हदीस एक हज़ार सालिम सौ चौंतीस बिन अब्दुल्ला बिन उमर ने बयान किया और उनसे उनके वालिद ने नबी करीम अलैहि वसल्लम के हवाले से कि मारस के करीब जुलहलीफा के बतन वादी वादी हकीक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब दिखाया गया जिसमें आपसे कहा गया था कि आप इस वक्त बतहा मुबारक में हैं मूसा बिन अकबा ने कहा कि सालिम ने हमको भी वहाँ ठहराया वो उस मकाम को ढूंढ रहे थे जहाँ अब्दुल्ला ऊँट बिठाया करते थे यानी जहाँ आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उतरा करते थे वो मक़ाम उस मस्जिद के नीचे की तरफ है जो नाले के नशेब में है उतरने वालों और रास्ते के बीचों बीच वादी अकीक़ मदीने से चार मील बकी की जानिब है सही बुखारी हदीस समर एक हज़ार पाँच सौ पैंतीस अताबिन नबी रबाह ने ख़बर दी उन्हें सफान बिन याली ने कहा कि उनके बाप याली बिन उमैया ने हजरत उमर हज़रतमर रदी से कहा कि कभी आप मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस हाल में दिखाइए जब आप पर वही नाजिल हो रही हो उन्होंने बयान किया कि एक बार रसुल्ल वम जौराना में अपने अब की एक जमात के साथ ठहरे हुए थे कि एक शख्स ने आकर पूछा या रसूल वसल्लम इस शख्स के मुतालिक आपका क्या हुक्म है जिसने उमरे का अहराम इस तरह बांधा कि उसके कपड़े खुशबू में बसे हुए हों हु। नबी करीम वसल्लम इस पर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए फिर आप पर वही नाजिल हुई तो हज़रत उमर रज़ील् ने याली ऱी को इशारा किया याली आए तो रसूल्ला वसलम पर एक कपड़ा था जिसके अंदर आप तशरीफ़ तो रखते थे उन्होंने कपड़े के अंदर अपना सर किया तो क्या देखते हैं कि रूए मुबारक सुर्ख है और आप खर्राटे ले रहे हैं फिर ये हालत ख़त्म हुई तो आपने फ़रमाया कि वो शख्स कहाँ है जिसने उम्र के मुतालिक पूछा था शख्स मजकूर हाजिर किया गया तो आपने फरमाया कि जो खुशबू लगा रखी है उसे तीन मरतबा धो ले और अपना जब्बा उतार दे उम्र में भी इसी तरह कर जिस तरह हज में करते हो मैंने आता से पूछा कि क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीन मरतबा धोने के हुक्म से पूरी तरह सफाई मुराद थी उन्होंने कहा कि हाँ सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार पाँच सौ छत्तीस बिन जबीर ने बयान किया कि बिन उमर सादा तेल इस्तेमाल करते थे अहराम के बावजूद मैंने इसका जिक्र इब्राहिम नखई से किया तो उन्होंने फ़रमाया कि तुम इब्ने उमर रदी अल्लाह की बात नकल करते हो सही बुखारी हदीस नंबर 1537 असवद ने बयान किया और उनसे उम्मुल मोमिनिन हज़रत आयशा सद्दीक़ा रदी ने बयान किया रसूल अलैहि वसल्लम महरम हैं और गोया मैं आपकी मांग में खुशबू की चमक देख रही हूं सही बुखारी हदीस नंबर 1538 इमाम मालिक ने खबर दी उन्हें रहमान बिन कासिम ने उन्हें उनके वालिद ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोज़ मतहरा हज़रत आयशा सिद्दीका अल्लाहु सदीकारद्हाँ ने फ़रमाया कि जब रसूल वसल्लम अहराम बांधते तो मैं आपके अहराम के लिए और इसी तरह बैतल्ला के तवाफ़ ज़्यारत से पहले हलाल होने के लिए खुशबू लगाया करती थी सही बुखारी हदीस नंबर 1539 अब्दुल्लह बिन वहाब ने ख़बर दी उन्हें यूनुस ने उन्हें इबन शहाब ने उन्हें सालिम ने और उनसे उनके वालिद ने फ़रमाया है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलबीत की हालत में लब कहते सुना सही बुखारी हदीस नंबर 1540। मूसा बिन अकबा ने बयान किया उन्होंने कहा कि मैंने सालम बिन अब्दुल्लह से सुना उन्होंने कहा कि मैंने इबन उमर रदी अल्लाह से सुना दूसरी सनद इमाम बुखारी ने कहा और हमसे अब्दुल्लाह बिन वसलमा कामबी ने बयान किया उनसे इमाम मालिक ने उनसे मूसा बिन अक़बा ने उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने उन्होंने अपने बाप से सुना वो कह रहे थे कि रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हलीफा के करीब ही पहुँच कर एहराम था सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ इकतालीस इमाम मालिक ने खबर दी उन्हें नाफ़े ने और उन्हें अब्दुल्ला बिनुमर ने कि एक शख्स ने पूछा कि या रसूल ल्लाह वसल्लम महरम को किस तरह का कपड़ा पहनना चाहिए आ अलैहि वसल्लम ने फरमाया न कुर्ता पहने न आमामा बांधे ना पजामा पहने न बारान कोट न मोज़े लेकिन अगर इसके पास जूती ना हो तो वो मोज़े उस वक़्त पहन सकता है जब टखनों के नीचे से उनको काट लिया हो और अहराम में कोई ऐसा कपड़ा ना पहनो जिसमें ज़ाफरान या वर्ष लगा हुआ हो अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कहा कि मुहरम अपना सर धो सकता है लेकिन कंघा ना करे बदन भी ना खुजलाना चाहिए और जूं सर और बदन से निकाल कर ज़मीन पर डाली जा सकती है सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ बयालीस जरीर बिन हाज़िम ने बयान किया उनसे यूनुस बिन जैद ने उनसे से ज़हरी ने उनसे सेबैदल बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे इबन अब्बास रदी अल्लाह ने कि अराफात से मजतलफ़ा तक उसामा बिन जैद रदी अल्लाह रसूल सल्हु वसलम की सवारी पर पीछे बैठे हुए थे फिर मुसदल्फ़ा से मिना तक हज़रत फजल बिन अब्बास ऱी अल्लाह बैठ गए थे दोनों हज़रा ने बयान किया कि रसोल्लासम जमरा अकबा की रमी तक बराबर तलबीह कहते रहे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ एक हज़ार पाँच सौ चवालीस जरीर बिन हाजिम ने बयान किया उनसे यूनुस बिन जैद ने उनसे ज़ाहरी ने उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला ने और उनसे इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ने क्याराफात से मजदलफ़ा तक उसामा बिन जैद रदी अल्लाह अलैहि वसल्लम की सवारी पर पीछे बैठे हुए थे फिर करीब ने ख़बर दी और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी ने बयान किया कि हजतल में जहर और असर के दरमियान हफ़्ते के दिन नबी करीम अलैहि वसल्लम कंघा करने और तेल लगाने और इज़ार और रिदा पहनने के बाद अपने सहाबा रजी के साथ मदीने से निकले आपने उस वक्त ज़ाफरान में रंगे हुए ऐसे कपड़े के सिवा जिसका रंग बदन पर लगता हो किसी कस्म की चादर या तहबंद पहनने से मना नहीं किया दिन में आप हलीफ़ा पहुँच गए और रात वहीं गुजारी आप सवार हुए और बैदा से आपने और आपके साथियों ने लब्बैक कहा और अहराम बांधा और अपने ऊँटों को हार पहनाया जिकादा के महीने में अब पाँच दिन रह गए थे फिर आप जब मक्का पहुँचे तो जुलहज्जा के चार दिन गुज़र चुके थे आपने बैतुल्ला का तवाफ किया और सफ़ा और मरवा की सई की आप अभी हलाल नहीं हुए क्योंकि कुर्बानी के जानवर आपके साथ थे और आपने उनकी गर्दन में हार डाल दिया था आप हजून पहाड़ के नज़दीक मक्के के बालाई हिस्से में उतरे हज का अहराम अब भी बाकी था बैतुल्ला के तवाफ के बाद फिर आप वहाँ उस वक्त तक तशरीफ़ नहीं ले गए जब तक मैदान अरफात से वापस ना हो लिए आपने अपने साथियों को हुक्म दिया था कि वो बैतुल्ला का तवाफ़ करें और सफा मरवा के दरमियान सई करें फिर अपने सरों के बाल तरशवाकर कर हलाल हो जाएं। ये फरमान उन लोगों के लिए था जिनके साथ कुर्बानी के जानवर नहीं थे अगर किसी के साथ उसकी बीवी थी तो वो उससे हम बिस्तर हो सकता था इस तरह खुशबूदार और सिले हुए कपड़े का इस्तेमाल भी उसके लिए जायज़ था सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ पैंतालीस इबन जरीज ने खबर दी उन्होंने कहा मुझसे मोहम्मद बिन अल मुनकदिर ने बयान किया और उनसे अनस बिन मालिक रदी उन्होंने बयान किया उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्हु वसल्लम ने मदीने में चार रकतें पढ़ीं लेकिन ज़ुल हलीफा में दो रकत अदा फ़रमाईं फिर आपने रात वहीं गुज़ारी सुबह के वक्त जब आप अपनी सवारी पर सवार हुए तो आपने लब्बे पुकार दी सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ छियालीस अयूब सख्तियानी ने बयान किया उनसे अबू कलाबा ने और उनसे बिन मालिक ने कि रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने मदीने में जहर चार रकत पढ़ी लेकिन जुलहलीफा में असर दो रकत उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि रात सुबह तक आपने जुल हलीफा में ही गुजार दी सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ सैतालीस हमाद बिन जैद ने बयान किया उनसे अबू अयूब ने उनसे अबू कलाबा ने और उनसे अनस बिन मालिक ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहर मदीना मनवरा में चार रकत पढ़ी लेकिन नमाज जुल हलीफा में दो रकत पढ़ी मैंने खुद सुना कि लोग बुलंद आवाज़ से हज और उमरा दोनों के लिए लब्बे कह रहे थे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार सौ अड़तालीस इमाम मालिक ने खबर दी उन्हें नाफ़े ने और उन्हें अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाहने कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलबिया ये था हाजिर हूँ अल्लाह, हाजिर हूँ मैं तेरा कोई शरीक नहीं हाजिर हूँ तमाम हमद तेरे ही लिए है और तमाम नेमतें तेरी ही तरफ़ से हैं मुल्क तेरा ही है तेरा कोई शरीक नहीं है सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ उनचास सुफियान सूरी ने आमज से बयान किया उनसे अमारा ने उनसे अबू अतिया ने और उनसे आयशा अदी अल्लाह ने कि मैं जानती हूँ कि किस तरह नबी करीम अलैहि वसल्लम तलबिया कहते थे आप तलबिया यूँ कहते थे अल्लाहुम्मा अल्लाब्ब ला शरीक लकलब्ब्ब्ब्ब्बैक इन हमदा व नमत अलग तर्जुमा गुजर चुका है इसकी मुताबियत सफियान सूरी की तरह अबू माविया ने आमश से भी की है सही बुखारी हदीस नंबर 1550 हज़ार पाँच ने बयान किया उनसे अबू कलाबा ने और उनसे अनस ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में हम भी आपके साथ थे जोहर की चार रकत पढ़ी और जुलहलीफा में असर की नमाज दो रकत आप रात को वहीं रहे सुबह हुई तो मकाम बैदा से सवारी पर बैठते हुए अल्लाह ताला की हमद उसकी तस्बी और तकबीर कही फिर हज और उम्र के लिए एक साथ अहराम बांधा और लोगों ने भी आपके साथ दोनों का एक साथ अहराम बांधा यानी क़ुरान किया जब हम मक्का आए तो आपके हुक्म से जिन लोगों ने हज तमत्पा का अहराम बांधा था उन सब ने अहराम खोल दिया फिर आठवीं तारीख में सब ने हज का अहराम बांधा उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से खड़े होकर बहुत से ऊंट नहर किए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अजहा के दिन मदीना में दो चित कुबरे सींगों वाले मेंढे ज़िबाह किए थे अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी ने कहा कि बाज़ लोग इस हदीस को यूं रिवायत करते हैं अय्यूब से उन्होंने एक शख्स से उन्होंने अनस से सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पांच सौ इक्यावन साल बिन कैसान ने खबर दी उन्हें नाफ़े ने और उनसे इबन उमर रदी ने कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आपकी सवारी पूरी तरह खड़ी हो गई तो आपने उस वक्त लब्बैक पुकारा सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पांच सौ बावन अयूब ने नाफ़े से बयान किया उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह बिन उमर अब्दुल्ला बिनुमर रदील्ला जब जुल हलीफा में सुबह की नमाज पढ़ चुके तो अपनी ऊँटनी पर पालान लगाने का हुक्म फरमाया सवारी लाई गई तो आप उस पर सवार हुए और जब वो आपको लेकर खड़ी हो गई तो आप खड़े होकर कबला रू हो गए और फिर लबेक कहना शुरू किया ते हरम में दाखिल हो गए वहाँ पहुँच कर आपने लब्ग कहना बंद कर दिया फिर जी तोा में तशरीफ़ लाकर रात वहीं गुजारते सुबह होती तो नमाज पढ़ते और गसल करते फिर मक्के में दाखिल होते आप यकीन के साथ ये जानते थे कि रसोल्ला सल्ह वसम ने भी इसी तरह किया था अब्दुल वारिस की तरह इस हदीस को इस्माइल ने भी अयूब से रिवायत किया इसमें गसल का ज़िक्र है सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ त्रेपन नाफ़े ने बयान किया कि हज़रत अब्दुल्ला बिनुमर रदील्ला जब मक्के जाने का इरादा करते थे पहले खुशबू के बग़ैर तेल इस्तेमाल करते उसके बाद मस्जिद हलीफ़ा में तशरीफ लाते यहाँ सुबह की नमाज पढ़ते फिर सवार होते जब ऊँटनी आपको लेकर पूरी तरह खड़ी हो जाती तो अहराम बांधते फिर फरमाते कि मैंने रसूल अलैहि वसल्लम को इसी तरह करते देखा था सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ चौवन मुजाहिद ने बयान किया कहा कि हम अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह की ख़दमत में हाजिर थे लोगों ने द्जाल का जिक्र किया क्या हज़ूर सल्लाम ने फ़रमाया है कि उसकी दोनों आँखों के दरमियान काफ़र लिखा हुआ होगा तो इबन अब्बास रदी अल्लाह ने फ़रमाया कि मैंने तो ये नहीं सुना हाँ आपने ये फरमाया था कि गोया मैं मूसा सलाम को देख रहा हूँ कि जब आप नाले में उतरे तो लब्बे कह रहे हैं सही बुखारी हदीस नंबर एक इमाम मालिक ने इब्ने शहाब से ख़बर दी उन्हें और जुबैर ने उनसे नबी करीम की जोजा मुताहरा हज़रत आयशा रजी ने बयान किया कि हम -वदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हुए पहले हमने उम्रे का अहराम बांधा लेकिन नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके साथ कुर्बानी हो तो उसे उम्र के साथ हज का भी अहराम बांध लेना चाहिए ऐसा शख्स दरमियान में हलाल नहीं हो सकता बल्कि हज और उम्र दोनों से एक साथ हलाल होगा मैं भी मक्का आई थी उस वक्त मैं हायज़ा हो गई इसलिए ना बैतुल्लह का तवाफ कर सकी और ना सफ़ा और मरवा की सही मैंने इसके मतलब नबी करीम अलैहि वसलम से शिकवा किया तो आपने फ़रमाया कि अपना सर खोल डाल कंगा कर और उम्र छोड़ कर हज का अहराम बांध ले चनाचा मैंने ऐसा ही किया फिर जब हम हज से फ़ारिग हो गए तो रसूल सल्हु वसल्लम ने मुझे मेरे भाई अब्दुलरहन बिन अबी बकर के साथ तनाइम भेजा मैंने वहां से उम्र का अहराम बांधा और उम्र अदा किया आज़ूर सल्ल वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे उस उमरे के बदले में है जिसे तुमने छोड़ दिया था हज़रत आयश रद्ह ने बयान किया कि लोगों ने हजतुलवादा में सिर्फ़ उमरे का अहराम बाँधा था वो बैतुल्ला का तवाफ सफ़ा और मरवा की सही करके हलाल हो गए फिर मिना से वापस होने पर दूसरा तवाफ़ यानी तवाफ़ु ज़ियारा किया लेकिन जिन लोगों ने हज और उम्र का एक साथ अहराम बांधा था उन्होंने सिर्फ एक ही तवाफ़ किया यानी तवाफु ज़ियारा किया सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ छप्पन अबी रुबाह ने बयान किया कि जाबिर ने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रदी अल्ला को हुक्म दिया था कि वो अपने अहराम पर कायम रहें उन्होंने सिराक़ा का कौल भी ज़िक्र किया था सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ सत्तावन सलीम बिन हयान ने बयान किया उन्होंने कहा कि मैंने मरवान असफ़र से सुना और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया था कि हजरत अली रदी अल्लाह यमन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए तो आपने पूछा कि किस तरह का अहराम बांधा है उन्होंने कहा कि जिस तरह का आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांधा हो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर मेरे साथ कुर्बानी ना होती तो मैं हलाल हो जाता और मोहम्मद बिन नबी बकर ने इब्न जरीद से यूं रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़ फरमाया अली तुमने किस चीज का अहराम बांधा है उन्होंने अर्ज़ की नबी करीम वसल्लम ने जिसका अहराम बांधा हो उसी का मैंने भी बांधा है आ अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर कुर्बानी कर और अपनी इसी हालत पर अहराम जारी रख सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ अट्ठावन सुफियान सूरी ने बयान किया उनसे कैस बिन मुस्लिम ने उनसे तारिक बिन शहाब ने और उनसे अबू मूसा अशारी रदी अल्लाह ने कि मुझे नबी करीम मेरी कौम के पास यमन भेजा था जब हजतल के मौके पर मैं आया तो आपसे बथह में मुलाकात हुई आपने दरियाफ्त फ़रमाया कि किसका अहराम बांधा है मैंने अर्ज़ की क्या हूँ सल्हुह वसलम ने जिसका बांधा हो आपने पूछा क्या तुम्हारे साथबानी है मैंने अर्ज़ की कि नहीं इसलिए आपने मुझे हुक्म दिया कि मैं बेतुल्ला का तवाफ़ और सफ़ा और मरवा की सही करूं उसके बाद आपने अहराम खोल देने के लिए फ़रमाया चुनाचा मैं अपनी कौम की एक ख़ातून के पास आया उन्होंने मेरे सर का कंघा किया या मेरा सर धोया फिर हज़रत उमर मर रद्ह का ज़माना आया तो आपने फ़रमाया कि अगर हम अल्लाह की किताब पर अमल करें तो वो ये हुक्म देती है कि हज और उम्र पूरा करो अल्लाह ताला फरमाता है और हज और उम्र पूरा करो अल्लाह की रज़ा के लिए और अगर हम आज़ूर सल्ला वसलम की सुन्नत को लें तो आज़ूर सल्लाम ने उस वक्त तक अहराम नहीं खोला जब तक आपने क़ुरबानी से फरागत नहीं हासिल फरमाई सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ उनसठ अफलाह बिन हमीद ने बयान किया कहा कि मैंने कासिम बिन मोहम्मद से सुना उनसे आयशा रदी ने बयान किया कि हम रसोल्ला सल्ला वसलम के साथ हज के महीनों में हज की रातों में और हज के दिनों में निकले फिर सर्फ़ में जाकर उतरे आपने बयान किया कि फिर नबी करीम सहाबा रदी को ख़िताब फ़रमाया जिसके साथ हुदी न हो और वह चाहता हो कि अपने अहराम को सिर्फ उम्रे का बना लें तो उसे ऐसा कर लेना चाहिए लेकिन जिसके साथ कुर्बानी है वो ऐसा ना करे हज़रत आयशा अनहा ने बयान फ़रमाया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज अब ने इस फरमान अमल किया और बाज़ ने नहीं किया उन्होंने बयान किया कि रसूल सल्लासम और आपके बादज़ जो इस्तात तो व हौसला वाले थे कि वह अहराम के ममनवात से बच सकते थे उनके साथ हुई थी इसलिए वह तनहा उम्रा नहीं कर सकते थे बस उन्होंने आहराम नहीं खोला अल्लाह अल्ला ने बयान किया कि रसूल वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए तो मैं रो रही थी आपने पूछा अय भोली भाली औरत तू रो क्यों रही है मैंने अर्ज़ की कि मैंने आपके अपने सहाबर रदीम से इर्शाद को सुन लिया अब तो मैं उम्रा न कर सकूँगी आपने पूछा क्या बात है मैंने कहा मैं नमाज पढ़ने के काबिल न रही यानी हायजा हो गई आपने फ़रमाया कोई हर्ज नहीं आखिर तुम भी तो आदम की बेटियों की तरह एक औरत हो और अल्लाह ने तुम्हारे लिए भी वो मुकद्दर किया है जो तमाम औरतों के लिए किया है इसलिए उमरा छोड़कर हज करती रह अल्लाह ताला तुम्हें जल्द ही उमरे की तौफीक दे देगा आयशा रज़ी अल्लाह ने बयान किया कि हम हज के लिए निकले जब हम अरफात से मिना पहुँचे तो मैं पाक हो गई फिर मिना से जब मैं निकली तो बैतुल्ला का तवाफुल ज्यारह किया आपने बयान किया कि आखिर में हज़ूर सलील वसलम के साथ जब वापस होने लगी तो आप वादिय महासब में आनकर उतरे हम भी आपके साथ ठहरे आपने अब्दुलरहमान बिन अभी बकर को बुलाकर कहा कि अपनी बहन को लेकर हरम से बाहर जा और वहाँ से उम्र का अहराम बांध फिर उम्र से फारग होकर तुम लोग यहीं वापस आ जाओ मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा आयशा रजील्हाँ ने बयान किया कि हम आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक चले और जब मैं और मेरे भाई तवाफ़ से फारिग हो गए तो मैं सहरी के वक्त आपकी खिदमत में पहुँची आपने पूछा कि फारिग हो गई मैंने कहा हाँ तब आपने अपने साथियों से सफ़र शुरू कर देने के लिए कहा सफ़र शुरू हो गया और आप मदीने मनवरा वापस हो रहे थे अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी ने कहा कि जो ला युद्रिक है वो दौरा यदीरो दाइरा से मुश्तक है दौरा या दूरो जोरा भी इस्तेमाल होता है और जिस रिवायत में ला युद्रिक है वह दर्रा या दुर्रो दर्रा से निकला सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार सौ साठ जरीर ने बयान किया उनसे मंसूर ने उनसे इब्राहिम नख़ई ने उनसे असवद ने और उनसे आयशा आयशर अदील्लाहा ने <tom> <tom> कि हम हज के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले हमारी नियत हज के सिवा और कुछ न थी जब हम मक्का पहुँचे तो और लोगों ने बैतुल्ला का तवाफ़ किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि जो कुर्बानी अपने साथ ना लाया हो वो हलाल हो जाए चुनाचा जिनके पास हदी न थी वो हलाल हो गए अफ़ाल उम्र के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहरात हदी नहीं ले गई थी इसलिए उन्होंने भी अहराम खोल डाले आयशर आयशरदल ने कहा कि मैं हायज़ा हो गई थी इसलिए मैं बैतुल्ला का तवाफ़ न कर सकी यानी उम्रा छूट गया और हज करती चली गई जब महसब की रात आई मैंने कहा या रसूल अल्लाह और लोग तो हज और उम्र दोनों करके वापस हो रहे हैं लेकिन मैं सिर्फ़ हज कर सकती हूँ इस पर आपने फ़रमाया क्या जब हम मक्का आए थे तो तुम तवाफ़ न कर सकी थी मैंने कहा कि नहीं आपने फ़रमाया कि अपने भाई के साथ तनाइम तक चली जा और वहाँ से उम्र का अहराम बांध फिर उम्र अदा कर हम लोग तुम्हारा फ़लाँ जगह इंतज़ार करेंगे और सफ़िया रजी अल्लाह ने कहा कि मालूम होता है मैं भी आप लोगों को रुकने का सबब बन जाऊँगी आ हज़ूर अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुर्दार सरमुंडी क्या तूने योम नहर का तवाफ़ नहीं किया था उन्होंने कहा क्यों नहीं मैं तो तवाफ़ कर चुकी हूँ आपने फ़रमाया फिर कोई हर्ज नहीं चल कूच कर आयशा रदी अल्लाह ने कहा फिर मेरी मुलाकात नबी करीम सल्ह वसलम से हुई तो आप मक्के से जाते हुए ऊपर के हिस्से पर चढ़ रहे थे और मैं नशेब में उतर रही थी या ये कहा कि मैं ऊपर चढ़ रही थी और आ हज़ूर सल्ला वसलम उस चढ़ाव के बाद उतर रहे थे सही बुखारी हदीस समर एक हज़ार पाँच सौ इकसठ इमाम मालिक ने खबर दी उन्हें अबोलासवत मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन नौफ़िल ने उन्हें वा बिन ज़ुबैर ने और उनसे मोमिनीन हज़रत आयशा सदी रदी अल्लाह ने बयान किया कि हम हजतलवादा के मौके पर रसूल सल्ह वसलम के साथ चले कुछ लोगों ने उम्र का अहराम बाँधा था कुछ ने हज और उम्र दोनों का और कुछ ने सिर्फ़ हज का रसूल सल्ला वसलम ने पहले सिर्फ़ हज का अहराम बाँधा था फिर आपने उमर भी शरीक कर लिया फिर जिन लोगों ने हज का अहराम बांधा था या हज और उम्र दोनों का उनका अहराम दसवीं तारीख तक न खुल सका सही बुखारी हदीस तमर एक हज़ार पाँच सौ बासठ शोबा ने बयान किया उनसे हकम ने उनसे अली बिन हुसैन हज़रत ज़ैन अब्दीन ने और उनसे मरवान बिन हकम ने बयान किया कि हज़रत उस्मान और रदी अल्लू को मैंने देखा है उस्मान रजी अल्लाह हज और उम्र को एक साथ अदा करने से रोकते थे लेकिन हजरत अली रजी अल्ला ने इसके बावजूद दोनों का एक साथ अहराम बांधा और कहा लब्ब बाउमरा वजा आपने फरमाया कि मैं किसी एक शख्स की बात पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को नहीं छोड़ सकता सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ तिरसठ अब्दुल्ला बिन ताऊस ने बयान किया उनसे उनके बाप ने और उनसे अपने अब्बास रदी अल्ल्हों कि अरब समझते थे कि हज के दिनों में उम्र करना रुए ज़मीन पर सबसे बड़ा गुनाह है ये लोग मुहर्रम को सफ़र बना लेते और कहते कि जब ऊँट की पीठ सस्ता ले और उस पर खूब बाल उग जाएँ और सफ़र का महीना ख़त्म हो जाए यानी हज के अयाम गुज़र जाए तो उम्र हलाल होता है फिर जब नबी करीम अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रदी अल्लाह के साथ चौथी की सुबह को अहराम बांधे हुए आए तो आपने उन्हें हुक्म दिया कि अपने हज को उमरा बना लें यह हुक्म अरब के पुराने रिवाज की बिना पर आम सहाबा रद्ला पर बड़ा भारी गुज़रा उन्होंने पूछा या रसूल्ला उम्र करके हमारे लिए क्या चीज़ हलाल हो गई आपने फरमाया कि तमाम चीज़ें हलाल हो जाएंगी सही बुखारी हदीस नंबर 1564 मोहम्मद बिन जाफ़र गंदर ने बयान किया कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया उनसे कैस बिन मुस्लिम ने उनसे तारिक बिन शहाब ने और उनसे अबू मूसा आशारी रदी अल्लाहों ने कि मैं नबी करीम अलैहि वसल्लम की खिदमत में वदा के मौके पर यमन से हाज़िर हुआ तो आपने मुझको उम्र के बाद अहराम खोल देने का हुक्म दिया सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ पैंसठ इमाम मालिक रज़ी ने बयान किया दूसरी सनद और इमाम बुखारी रम्ह ने कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया कहा कि हमें इमाम मालिक रहा ने ख़बर दी उन्हें नाफ़े ने और उन्हें इब्ने उमर रज़ील् ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोज़ मुतहरा हज़रत हफ़् अनहा ने बयान किया कि उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया या रसूल क्या बात है और लोग तो उम्रा करके हलाल हो गए लेकिन आप हलाल नहीं हुए सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने सर की तलबीद, बालों को जमाने के लिए एक लेसदार चीज़ का इस्तेमाल करना की है और अपने साथ हदी क़ुरबानी का जानवर लाया हूँ इसलिए मैं क़ुरबानी से पहले अहराम नहीं खोल सकता सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ छियासठ अबू जमरा नसर बिन इमरान अज़ब्बई ने बयान किया उन्होंने कहा कि मैंने हज और उम्र का एक साथ अहराम बांधा तो कुछ लोगों ने मुझे मना किया इसलिए मैंने इब्ने अब्बास रदी अल्लाह से इसके मतलक दरियाफ़ किया आपने तमत् करने के लिए कहा फिर मैंने एक शख्स को देखा कि मुझसे कह रहा है हज भी मबरूर हुआ और उम्र भी कबूल हुआ मैंने ये ख़्वाब इब्न अब्बास ऱी अल्लाह को सुनाया तो आपने फ़रमाया कि यह नबी करीम अलैहि वसल्लम की सुन्नत है फिर आपने फ़रमाया कि मेरे यहाँ कयाम कर मैं अपने पास से तुम्हारे लिए कुछ मुकरर करके दिया करूँगा शोबा ने बयान किया कि मैंने अबू जमरा से पूछा कि इबन अब्बास रज़ील्ला उन्होंने यह क्यों किया था यानी माल किस बात पर देने के लिए कहा उन्होंने बयान किया कि उस ख्वाब की वजह से जो मैंने देखा था सही बुखारी हदीस नंबर 1567 अबू शहाब ने कहा कि मैं तमतपा की नीयत से उम्र का अहराम बांध के योम तरविया से तीन दिन पहले मक्का पहुँचा इस पर मक्का के कुछ लोगों ने कहा अब तुम्हारा हज मक्की होगा मैं अताबिन नबी रबाह की खदमत में हाजिर हुआ यही पूछने के लिए उन्होंने फ़रमाया कि मुझसे जाबिर बिन अब्दुल्ल रज़ील् उन्होंने बयान किया कि उन्होंने रसोल्ला साथ वो हज किया था जिसमें आप सल्ह वसलम अपने साथ कुर्बानी के ऊंट लाए थे यानी वदा सहाबा रजी हजतुलदा साहबरद्ह ने सिर्फ़ मुफरिद हज का अहराम बांधा लेकिन आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया कि उमरे का अहराम बांध लो और बैतुल्ला के तवाफ़ और सफ़ा और मरवा की सई के बाद अपने अहराम खोल डालो और बाल तरशवा लो योम तरविया तक बराबर इसी तरह हलाल रहो फिर योम तरविया में मक्के से हज का अहराम बांधो और इस तरह अपने हज मुफरिद को जिसकी तुमने पहले नियत की थी अब उसे तमत्ता बना लो सहाबरदा ने अर्ज़ की कि हम उसे तमत्ता कैसे बना सकते हैं हम तो हज का अहराम बांध चुके हैं इस पर आ हजूर सलील वसलम ने फरमाया कि जिस तरह मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो अगर मेरे साथ हदी ना होती तो खुद मैं भी इसी तरह करता जिस तरह तुमसे कह रहा हूँ लेकिन मैं क्या करूँ अब मेरे लिए कोई चीज़ उस वक्त तक हलाल नहीं हो सकती जब तक मेरे कुर्बानी के जानवरों की कुर्बानी न हो जाए रजी सहाबर अदी ने आपके हुक्म की तामील की अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहा ने कहा अबू शहाब की इस हदीस के सिवा और कोई मरफू हदीस मरवी नहीं है सही बुखारी हदीस नज़ार पाँच सौ अड़सठ बिन मोहम्मद और ने बयान किया उनसे शोबा ने उनसे उमरो बिन मराह ने उनसे सईद बिन मसीब ने जब हज़रत उस्मान और हजरत अली रजी अल्लाह असफ़ान आए तो उनमें बाहम तमत्ता के सिलसिले में अख्तलाफ हुआ तो हजरत अली रजी अल्लाह रज़ील्ह ने फ़रमाया कि जिसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है उससे आप क्यों रोक रहे हैं इस पर उस्मान रजी अल्लाह रजील् ने फरमाया कि मुझे अपने हाल पर रहने दो ये देख कर अली ने हज और उम्रा दोनों का अहराम एक साथ बांधा सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ उनहत्तर हमाद बिन जैद ने बयान किया उनसे अयूब सख्तियानी ने कहा कि मैंने मुजाहिद से सुना उन्होंने कहा कि हमसे जाबिर बिन अब्दुल्ल रज़ी अन्ों ने बयान किया उन्होंने कहा कि जब हम रसूल्हल्लासम के साथ आए तो हमने हज की लब्बैक पुकारी फिर रसूल सल्लासम सल ने हमें हुक्म दिया तो हमने उसे उम्र बना लिया सही बुखारी हदीस समर एक हज़ार पाँच सौ सत्तर हमाम बिन याहजा ने कतादा से बयान किया कहा कि मुझसे मतरफ़ ने इमरान बिन हसैन से बयान किया उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमने तमत्ता किया था और ख़ुद क़ुरान में तमत्ता का हुक्म नाजिल हुआ था अब एक शख्स ने अपनी राय से जो चाहा कह दिया सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ इकहत्तर उस्मान बिन गयास ने बयान किया उनसे आक्रमा ने उनसे इब्ने अब्बास रजील् ने इब्ने अब्बास रजी अल्लाह से हज में तमत्ता के मुतालिक पूछा गया आपने फ़रमाया कि वदा के मौके पर महाजरीन अंसार नबी करीम अलैहि वसल्लम की आजवाज और हम सब ने अहराम बांधा था जब हम मक्का गए तो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अपने अहराम को हज और उम्र दोनों के लिए कर लो लेकिन जो लोग कुर्बानी का जानवर अपने साथ लाए हैं वो उम्र करने के बाद हलाल नहीं होंगे चनाचा हमने बैतुल्ला का तवाफ और सफ़ा मरवा की सही कर ली तो अपना अहराम खोल डाला और हम अपनी बीवियों के पास गए और सिले हुए कपड़े पहने आपने फ़रमाया था कि जिसके साथ कुर्बानी का जानवर है वो उस वक्त तक हलाल नहीं हो सकता जब तक हदी अपनी जगह न पहुँच ले यानी कुर्बानी न हो ले हमें जिन्होंने हदी साथ नहीं ली थी आप अलैहि वसल्लम ने आठवीं तारीख की शाम को हुक्म दिया कि हम हज का अहराम बांध लें फिर जब हम के हज से फारग हो गए तो हमने आकर बैतुल्ला का तवाफ़ और सफ़ा मरवा की सही की फिर हमारा हज पूरा हो गया और अब कुर्बानी हम पर लाजिम हुई जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है जिसे कुर्बानी का जानवर मैसर हो तो वो कुर्बानी करे और अगर किसी को कुर्बानी की ताकत ना हो तो तीन रोज़े हज में और सात दिन घर वापस होने पर रखे क़ुरबानी में बकरी भी काफ़ी है तो लोगों ने हज और उम्र दोनों इबादतें एक ही साल में एक साथ अदा कं क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद अपनी किताब में यह हुक्म नाजिल किया था और रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने इस पर ख़ुद अमल करके तमाम लोगों के लिए जायज़ करार दिया था अलबत्त मक्के के बाशिंदों का इससे इस्तना है क्योंकि अल्लाह ताला का फ़रमान है ये हुक्म उन लोगों के लिए है जिनके घर वाले हराम के पास रहने वाले ना हों और हज के दिन महीनों का कुरान में जिक्र है वो शवाल ज़िकदा और जिलहज्जा हैं इन महीनों में जो कोई भी तमत्ता करे वो या कुर्बानी दे या अगर मकदूर ना हो तो रोज़े रखे और रफ़त का मानी जमा या फ़ाश बातें और फसूक गुनाह और जदाल लोगों से झगड़ना सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ बहत्तर अजूब सख्ती ने ख़बर दी उन्हें नाफ़े ने उन्होंने बयान किया कि जब अब्दुल्ला बिन उमर हरम की सरहद के करीब पहुँचते तो तलबी कहना बंद कर देते रात जी तोा में गुज़ारते सुबह की नमाज़ वहीं पढ़ते और गसल करते फिर मक्के में दाखिल होते आप बयान करते थे कि नबी करीम सल वसलम भी इसी तरह किया करते थे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ तिहत्तर अबैदुल्ल ने बयान किया उनसे नाफ़े ने इबन उमरदी से बयान किया आप रदी ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी तवा में रात गुजारी फिर जब सुबह हुई तो आप मक्के में दाखिल हुए इबन उमर रद्ह भी इसी तरह करते थे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ चौहत्तर इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने बयान किया उनसे नाफ़े ने और उनसे इब्ने उमर रजील्लान्हों ने कि रसूल ल्लाह वसल्लम मक्के में बलंद घाटी यानी जन्नतुल मुअल्ला की तरफ से दाखिल होते और निकलते सनिया सफली की तरफ से यानी नीचे की घाटी बाबे शबीका की तरफ से सही बुखारी हदीस नंबर 1575 याहिया कतान ने बयान किया उनसे अबैदुल्ल उमरी ने उनसे नाफ़े ने और उनसे अब्दुल्ला बिन उमर रद्ह उन्होंने के रसूल अल्लाह सल्ला सनिया अलिया यानी मकाम कदा की तरफ से दाखिल होते जो बतहा में है और सनिया सफली की तरफ से निकलते थे यानी नीचे वाली घाटी की तरफ से सही बुखारी हदीस तमर एक हज़ार पाँच सौ छिहत्तर सफियान बिन आयना ने बयान किया उनसे हिशाम बिन औरवा ने उनसे उनके वालिद ने उनसे आयशा रदी अल्लाह ने कि जब रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ़ लाए तो ऊपर की बलंद जानब से शहर के अंदर दाखिल हुए और मक्के से वापस जब गए तो नीचे की तरफ से निकल गए सही बुखारी हदीस नंबर एक अबू उसामा ने बयान किया उन्होंने कहा कि हमसे हिशाम बिन औरवा ने बयान किया उनसे उनके वालद औरवा बिन जुबैर ने और उनसे आयशा आयशर अनहा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तः मक्का के मौके पर शहर में कदा की तरफ से दाखिल हुए और कदा की तरफ से निकले जो मक्के के बलंद जानब है सही बुखारी हदीस सितम्बर एक हज़ार पाँच सौ अठहत्तर उम्र बिन हारिस ने ख़बर दी उन्हें हाम बिन और ने उन्हें उनके वालदा बिन जुबैर ने और उन्हें आयशर रदिल्लाहा ने कि नबी करीम वसल्लम फ़तह मक्का के मौके पर दाखिल होते वक्त मक्के के बालाई इलाक़े कदा से दाखिल हुए हिशाम ने बयान किया कि किवा अगरचे कदा और कदा दोनों तरफ से दाखिल होते थे लेकिन अक्सर कदा से दाखिल होते क्योंकि ये रास्ता उनके घर से करीब था सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच ने बयान किया कि नबी करीम सल्ह वसलम फ़तह मक् के मौके पर मक्के के बलाई इलाक़े कदा की तरफ से दाखिल होते लेकिन औरवा अक्सर खदा के तरफ से दाखिल होते थे क्योंकि ये रास्ता उनके घर से करीब था सही बुखारी हदीस सम्बर 1580। हज़ार ने अपने बाप से बयान किया उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सलील वसम फ़तह मक् मौक़े पर कदा से दाखिल होते थे और वह खुद अगरचे दोनों तरफ से कदा और कुदा दाखिल होते लेकिन अक्सर आप कुदा की तरफ से दाखिल होते थे क्योंकि ये रास्ता उनके घर से करीब था अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कहा कि कदा और कुदा दो मकामात के नाम हैं सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ इक्यासी बिन दिनार ने ख़बर दी कहा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह से सुना उन्होंने बयान किया कि जमाने जाहिलियत में जब काबे की तामीर हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्बास रजी अल्लाह रद्ला भी पत्थर उठाकर ला रहे थे अब्बास रजी रद्ला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपना तहबंद उतार कर कंधे पर डाल लो ताकि पत्थर उठाने में तकलीफ़ ना हो आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया तो नंगे होते ही बेहोश होकर आप ज़मीन पर गिर पड़े और आपकी आंखें आसमान की तरफ लग गईं आप कहने लगे मेरा तहबंद दे दो फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मज़बूत बांध लिया सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ बयासी अब्दुल्ला बिन उमर ने ख़बर दी और उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अल्लाह सिद्दीक़ारद्ला ने क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया क्या तुझे मालूम है जब तेरी कौम ने काबे की तामीर की तो बुनियाद इब्राहिम को छोड़ दिया था मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह फिर आप बुनियाद इब्राहिम पर उसको क्यों नहीं बना देते आपने फ़रमाया अगर तुम्हारी कौम का ज़माना कुफ्र से बिल्कुल नज़दीक ना होता तो मैं बेशक ऐसा कर देता अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लह बिनर रद्ह ने कहा कि अगर आयशा सिद्दीक़ा आयशर सदीक़ारद्ह ने यह बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है और यकीनन हज़रत आयश रद्ह सच्ची हैं तो मैं समझता हूँ यही वजह थी जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम से मुत्तसिल जो दीवारों के कोने हैं उनको नहीं चूमते थे क्योंकि खाने काबा इब्राहिमी बुनियादों पर पूरा न हुआ था सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ तेरासी ने बयान किया उनसे असवद बिन यजीद ने और उनसे अमुल अल्लाहु हज़रतरदा ने बयान किया कि मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या हतीम भी बैतुल्लह में दाखिल है आप अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हाँ फिर मैंने पूछा कि फिर लोगों ने उसे काबे में क्यों नहीं शामिल किया आप अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि तुम्हारी कौम के पास ख़र्च की कमी पड़ गई थी फिर मैंने पूछा कि यह दरवाज़ा क्यों ऊँचा बनाया आपने फ़रमाया कि यह भी तुम्हारी कौम ही ने किया ताकि जिसे चाहें अंदर आने दें और जिसे चाहें रोक दें अगर तुम्हारी कौम की ज़ाहिलियत का ज़माना ताज़ा ताज़ा ना होता और मुझे इसका खौफ न होता कि इनके दिल बिगड़ जाएंगे तो इस हतीम को भी माए क़बे में शामिल कर देता और क़बे का दरवाज़ा ज़मीन के बराबर कर देता सही बुखारी हदीस नज़ार पाँच सौ चौरासी शाम ने बयान किया उनसे उनके वालिद ने और उनसे उमुल हज़रत आयशा सदी ने बयान किया कि अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया अगर तुम्हारी कौम का ज़माना कुफ्र से अभी ताज़ा ना होता तो मैं खाने काबा को तोड़ कर उसे इब्राहीम की बुनियाद पर बनाता क्योंकि कुरैश ने उसमें कमी कर दी है इसमें एक दरवाज़ा और उस दरवाज़े के मुकाबिल रखता अबू मुआविया ने कहा हमसे हिशाम ने बयान किया हदीस में ख़लफ़ से दरवाज़ा मुराद है सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ पचासी यजीद बिन रोमान ने बयान किया उनसे औरवा ने और उनसे हज़रत आयशा सिद्दीक़ारद्ल्ह ने कि रसूल अल्ला वसम ने आयशा, अगर तेरी कौम का ज़माना जाहलीत अभी ताज़ा ना होता तो मैं बैतुल्ला को गिराने का हुक्म दे देता ताकि नई तामीर में उस हिस्से को भी दाखिल कर दूँ जो इससे बाहर रह गया है और इसकी कुर्सी ज़मीन के बराबर कर दूँ और इसके दो दरवाजे बना दूँ एक मशरक़ और एक मगरब में इस तरह इब्राहिम इब्राहीम की बिना पर इसकी तमीर हो जाती अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी का काबे को गिराने से यही मकसद था यजीद ने बयान किया कि मैं उस वक्त मौजूद था जब अब्दुल्ल बिन जुबैर रदी ने इसे गिराया था और इसकी नई तामीर करके हतीम को इसके अंदर कर दिया था मैंने इब्राहीम की तमीर के पाए भी देखे जो ऊँट की कोहान की तरह थे जरीर बिन हाज़िम ने कहा कि मैंने इनसे पूछा कि इनकी जगह कहाँ है उन्होंने फ़रमाया कि मैं अभी दिखाता हूँ चुनाचा मैं उनके साथ हतीम में गया और आपने एक जगह की तरफ इशारा करके कहा कि ये वो जगह है जरीर ने कहा कि मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो जगह हतीम में से छः हाथ होगी या ऐसी ही कुछ सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ छियासी जरीर बिन अब्दुल हमीद ने मंसूर से बयान किया उनसे मुजाहिद ने उनसे ताउस ने और उनसे इबन अब्बास रदी अल्लाह ने बयान किया रसूल अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का पर फ़रमाया था कि अल्लाह ताला ने इस शहर मक्के को हुरमत वाला बनाया है यानी इज़्ज़त दी है बस इसके दरख्तों के कांटे तक भी नहीं काटे जा सकते यहाँ के शिकार भी नहीं हंकाए जा सकते और इनके अलावा जो ऐलान करके मालिक तक पहुँचाने का इरादा रखते हों कोई शख्स यहाँ की गिरी पड़ी चीज़ भी नहीं उठा सकता है सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार सौ अब्दुल्ला बिन वहब ने ख़बर दी उन्हें यूनुस ने उन्हें इब्ने शहाब ने उन्हें अली बिन हुसैन ने उन्हें उमरू बिन उस्मान ने और उन्हें हज़रत उसामा बिन जैद रदी अल्लाह ने कि उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह वसल्लम आप मक्के में क्या अपने घर में कयाम फरमाएंगे इस पर आपने फ़रमाया कि अकील ने हमारे लिए मोहल्ला या मकान छोड़ा ही कब है सब बेच खोज कर बराबर कर दिए अकील और तालिब अबू तालिब के वारिस हुए थे जाफ़र और को विरासत में कुछ नहीं मिला था क्योंकि ये दोनों मुसलमान हो गए थे और अक्ल इब्ता और तालिब इस्लाम नहीं लाए थे इस बुनियाद पर हज़रत हज़रतमर बिन ख़त्ताब अल्लाह रजाल्लाह फरमाया करते थे कि मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होता इिबन शहाब ने कहा कि लोग अल्लाह ताला के इस तरशाद से दलील लेते हैं कि जो लोग ईमान लाए हिजरत की और अपने माल और जान के साथ अल्लाह की राह में जहाद किया और वो लोग जिन्होंने पनाह दी और मदद की वही एक दूसरे के वारिस होंगे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ अट्ठासी ज़ाहरी ने कहा कि मुझसे अबू सलमा ने बयान किया उनसे अबू हुरेरा रज़ील्हों ने बयान किया कि रसूल अल्लाह वसल्लम ने जब मिना से लौटते हुए विदा के मौके पर मक्के आने का इरादा किया तो फ़रमाया कि कल इनशा हमारा क़याम इसी खैफ़ बनी कराना यानी महसब में होगा जहाँ कुरैश ने कुफ्र पर आड़े रहने की कसम खाई थी सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ नवासी अबूसलमा ने बयान किया और उनसे अबू हुरेरा रज़ील्हों ने बयान किया कि ग्यारहवीं की सुबह को जब आज़ूर सल्ला वसल्लम मना में थे तो ये फ़रमाया था कि कल हम खैफ़ बनी कनाना में क़्याम करेंगे जहां कुरेश ने कुफ्र की हिमायत की कसम खाई थी आपकी मुराद महसब से थी क्योंकि यहीं क्रैश और कनाना ने बनु हाशिम और बनु अब्दुलमतलब या रावी ने बनतलब कहा के ख़िलाफ़ हल्फ उठाया था कि जब तक वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हवाले न कर दें उनके हां ब्याह शादी न करेंगे और न उनसे ख़रीदो फरोख्त करेंगे और सलामा बिन रोह ने अकील और याहिया बिन जहाक से रिवायत किया उनसे इमाम औजाई ने बयान किया कि मुझे इब्ने शहाब ने ख़बर दी उन्होंने अपनी रिवायत में बनू हाशिम और मुत्तलिब कहा अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी ने कहा कि मुत्तलिब ज़्यादा सही है सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ नबे जयादा बिन साद ने बयान किया उनसे जाहरी ने बयान किया उनसे सईद बिन वसीब ने बयान किया और उनसे अबू हुरैरा हुरेरा रज़ील्हों ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि काबे को दो पतली पिंडलियों वाला एक हकीर हबशी तबाह कर देगा सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ इक्यानवे लेस ने बयान किया उनसे अकील ने उनसे से शहाब ने उनसे औरवा ने और उन से रदी अल्लाह ने बयान किया दूसरी संद इमाम बुखारी रहा ने कहा और मुझसे मोहम्मद बिन मकल ने बयान किया उन्होंने कहा कि मुझे अब्दुल्ल बिन मुबारक ने ख़बर दी उन्होंने कहा कि हमें मोहम्मद बिन अबी हाफ़ा ने ख़बर दी उन्हें ज़ाहरी ने उन्हें औरवा ने और उनसे उम्मुल उमुलम हज़रत आयशा सिद्दीका सिद्दीक़ार रदील्ल् ने बयान फ़रमाया कि रमज़ान के, के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले मुसलमान मुसलमानाशूरा का रोज़ा रखते थे आशूरा ही के दिन जाहलीत में काबे पर गलाफ चढ़ाया जाता था फिर जब अल्लाह ताला ने रमज़ान फ़र्ज कर दिया तो रसूल सल्हु वसलम ने लोगों से फ़रमाया कि अब जिसका जी चाहे आशूरा का रोज़ा रखे जिसका जी चाहे छोड़ दे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ बानवे इब्राहिम बिन तहमान ने बयान किया उनसे हजाज बिन हजाज असलमी ने उनसे कतादा ने उनसे अब्दुल्ल बिन अबी उतबा ने और उनसे अबू सईद ख़दरी रदी अल्लाहों ने और उनसे नबी करीम वसल्लम ने फरमाया बैतुल्ला का हज और उम्र याजूज और माजूज के निकलने के बाद भी होता रहेगाब्दुल्ल बिन नबी उतबा के साथ इस हदीस को ईबान और इमरान ने कतादा से रिवायत किया और अब्दुलरहमान ने शोबा के वास्ते से यूँ बयान किया कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक बेतुल्लह का हज बंद ना हो जाए इमाम बुखारी ने कहा कि पहली रिवायत ज़्यादा रावियों ने बयान की है और कतादा ने अब्दुल्लाह बिन उतबा से सुना और अब्दुल्लाह ने अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह से सुना सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ तिरानवे अबू वाइल ने बयान किया कहा कि मैं शेबा की खिदमत में हाजिर हुआ दूसरी सनद और हम से कबीसा ने बयान किया कहा कि हमसे सुफियान ने वासिल से बयान किया और उनसे अबू वाइल ने बयान किया कि मैं शेबा के साथ काबे में कुर्सी पर बैठा हुआ था तो शेबा ने फरमाया कि इसी जगह बैठ कर उमर रद्ला ने एक मरतबा फरमाया कि मेरा इरादा ये होता है कि काबे के अंदर जितना सोना चांदी है उसे ना छोड़ूँ जिसे ज़मान जाहलीत में कुफ़ार ने जमा किया था बल्कि सबको निकाल कर मुसलमानों में तकसीम कर दूँ मैंने अर्ज़ की क्या आपके साथियों आ वसल्लम और अबू बकर बकरों ने तो ऐसा नहीं किया उन्होंने फ़रमाया कि मैं भी उन्हीं की पैरवी कर रहा हूँ इसीलिए मैं उसको हाथ नहीं लगाता सही बुखारी हदीस नंबर एक इब्ने अभी मलीका मलिका ने बयान किया उनसे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी ने और उनसे नबी करीम वसल्लम ने फ़रमाया गोया मेरी नज़रों के सामने वो पतली टांगों वाला सियाह आदमी है जो ख़ान काबा के एक एक पत्थर को उखाड़ फेंकेगा सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ पचानवे लेस बिन साद ने बयान किया उनसे यूनुस ने उनसे इब्ने शहाब ने उनसे सईद बिन वसीब ने कि अबू हुरेरा रदी अन्हु ने कहा कि रसूल अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया काबे को दो पतली पिंडलियों वाला हबशी ख़राब करेगा सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ छियानवे सूरी ने ख़बर दी उन्हें आमश ने उन्हें इब्राहिम ने उन्हें आबस ने उन्हें रबिया ने कि हज़रत उमर रजील् हजर हुँ असवद के पास आए और उसे बोसा दिया और फ़रमाया मैं ख़ूब जानता हूँ कि तू सिर्फ एक पत्थर है न किसी को नुकसान पहुँचा सकता है न नफ़ा अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए मैं ना देखता तो मैं भी कभी तुझे बोसा न देता सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ सत्तानवे लेस बिन साद ने बयान किया उनसे से इबन शहाब ने उनसे सालिम ने और उनसे उनके बाप ने बयान किया कि रसोल्ला सल्ला वसलम और उसामा बिन जैद और बिलाल उस्मान बिन अबी तलहा चारों ख़ान काबा के अंदर गए और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया फिर जब दरवाज़ा खोला तो मैं पहला शख़्स था जो अंदर गया मेरी मुलाकात बिलाल से हुई मैंने पूछा क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर नमाज पढ़ी है उन्होंने बतलाया कि हाँ दोनों यमनी सुतूनों के दरमियान आपने नमाज पढ़ी है सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार पाँच सौ अट्ठानवे मूसा बिन अकवा ने ख़बर दी उन्हें नाफ़े ने कि हज़रत अब्दुल्लह बिन उमर रज़ील्न्हू जब काबे के अंदर दाखिल होते तो सामने की तरफ चलते और दरवाज़ा पीठ की तरफ छोड़ देते आप इसी तरह चलते रहते और जब सामने की दीवार तकरीबन तीन हाथ रह जाती तो नमाज पढ़ते थे इस तरह आप उस जगह नमाज पढ़ने का अहतमाम करते जिसके मतलब बिलाल ऱी अल्लाहों से मालूम हुआ था कि रसूल सल्हु वसलम ने वहीं नमाज पढ़ी थी लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं काबे में जिस जगह भी कोई चाहे नमाज पढ़ ले सही बुखारी हदीस एक हज़ार पाँच सौ निन्यानवे बिन अभी खालिद ने ख़बर दी उन्हें अब्दुल्ला बिन अभी ऊफा ने कि रसूल अलैहि वसल्लम ने उम्र किया तो आपने काबे का तवाफ करके मकाम इब्राहिम के पीछे दो रकतें पढ़ीं आपके साथ कुछ लोग थे जो आपके और लोगों के दरमियान आड़ बने हुए थे उनमें से एक साहब ने अबी उफा से पूछा क्या वसल्लम काबे के अंदर तशरीफ़ ले गए थे तो उन्होंने बताया कि नहीं सही बुखारी हदीस नंबर 1600 अय्यूब अयूब ने बयान किया कहा कि हमसे अकरमा ने इब्ने अब्बास रजी अल्लाह से बयान किया आपने फ़रमाया कि रसूल अल्लाह वसल्लम जब फतेह मक्का के दिन तशरीफ़ लाए तो आप वसल्लम ने काबे के अंदर जाने से इसलिए इनकार फ़रमाया कि उसमें बुत रखे हुए थे फिर आप ने हुक्म दिया और वो निकाले गए लोगों ने इब्राहीम और इस्माइल वाम के बुत भी निकाले उनके हाथों में फ़ाल निकालने के तीर दे रखे थे रसूल वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इन मुशरिकों को गारत करे खुदा की कसम इन्हें अच्छी तरह मालूम था कि इन बुज़ुर्गों ने तीर से फाल कभी नहीं निकाली इसके बाद आप काबे के अंदर तशरीफ ले गए और चारों तरफ तकबीर कही आपने अंदर नमाज नहीं पढ़ी सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार छ सौ एक हम्माद बिन जैद ने बयान किया उनसे अयूब सख्तीनी ने उनसे सईद बिन जबीर ने और उनसे इबन अब्बास रदी अल्लाह ने बयान किया कि कज़ा सात हिजरी में जब रसूल सल्ला वसल्लम मक्का तशरीफ़ लाए तो मुशरक़ों ने कहा कि वसल्लम आए हैं उनके साथ ऐसे लोग आए हैं जिन्हें है यसरब मदीना मनवरा के बुखार ने कमज़ोर कर दिया है इसलिए रसोल्ला सकम दिया कि तवाफ़ के पहले तीन चक्करों में रमल तेज़ चलना जिससे इजहार क़वत हो करें और दोनों यमानी रुकनों के दरमियान हसब मामूल चलें और आपने यह हुक्म नहीं दिया कि सब फेरों में रमल करें इसलिए कि उन पर आसानी हो सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार छः सौ दो बिन वाहब ने खबर दी उन्हें यूनुस ने उन्हें जाहरी ने उन्हें सालिम ने और उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि मैंने रसूल को देखा जब आप मक्का तशरीफ लाते तो पहले तवाफ़ शुरू करते वक्त हजर असवद को बोसा देते और सात चक्करों में से पहले तीन चक्करों में रमल करते थे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ तीन फलीह ने बयान किया उनसे नाफ़े ने और उनसे से इबन उमर रद्ला ने बयान किया कि नबी करीम अलैहि वसल्लम ने पहले तीन चक्करों में रमल किया और बकिया चार चक्करों में हंसप मामूल चले हज और उमरा दोनों में सरीज के साथ इस हदीस को लेस ने रिवायत किया है कहा कि मुझसे कसीर बिन फरक़त ने बयान किया उनसे नाफ़े ने और उनसे इबन उमर रदील्ल्हों ने नबी करीम अलैहि वसल्लम के हवाले से सही बुखारी हदीस तमर एक हज़ार छः सौ चार जैद बिन असलम ने ख़बर दी उन्हें उनके वालिद ने कि उमर बिन खत्ताब रज़ी ने हजर असवद को ख़िताब करके फ़रमाया बखुदा मुझे खूब मालूम है कि तू सिर्फ़ एक पत्थर है जो न कोई नफा पहुँचा सकता है ना नुकसान और अगर मैंने रसूल अल्लाह वसलम को तुझे बोसा देते न देखा होता तो मैं कभी बोसा ना देता इसके बाद आपने बोसा दिया फिर फ़रमाया और अब हमें रमल की भी क्या ज़रूरत है हमने इसके ज़रिए मशरकों को अपनी क़वत दिखाई थी तो अल्लाह ने उनको तबाह कर दिया फिर फरमाया जो अमल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है उसे अब छोड़ना भी हम पसंद नहीं करते सही बुखारी हदीस नंबर 1605। यहया कतान ने बयान किया उनसे उमरी ने उनसे नाफ़े ने और उनसे इब्ने उमर रदी ने बयान किया जब से मैंने रसोल्ला सला वम को इन दोनों रुकन यामानी को चूमते हुए देखा मैंने भी उसके चूमने को ख़ास सख्त हालात हों या नर्म नहीं छोड़ा मैंने नाफ़े से पूछा क्या इब्ने उमर इन दोनों यमनी रुकनों के दरमियान मामूल के मुताबिक चलते थे तो उन्होंने बताया कि आप मामूल के मुताबिक इसलिए चलते थे ताकि हजर असवद को छूने में आसानी रहे सही बुखारी हदीस नंबर 1606 यूनुस ने इब्ने शहाब से ख़बर दी उन्हें उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे अपने अब्बास रदी अनहु ने बयान किया कि नबी करीम अलैहि वसल्लम ने हजतलवादा के मौके पर अपनी ऊंटनी पर तवाफ़ किया था और आप हजर असवद का इस्तलाम एक छड़ी के ज़रिए कर रहे थे और इस छड़ी को चूमते थे और यूनुस के साथ इस हदीस को दरावर्दी ने जहरी के भतीजे से रिवायत किया और उन्होंने अपने चाचा जहरी से सही बुखारी हदीस नंबर 1607 उम्र बिन दीनार ने ख़बर दी कि अबू शाहसात ने कहा बैतुल्ला के किसी भी हिस्से से भला कौन परहेज़ कर सकता है और माविया रजील्हू चारों रुकनों का इस्तेलाम करते थे इस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजील्हों ने उनसे कहा कि हम इन दो अरकान शामी और इराकी का इस्तेलाम नहीं करते तो माविया रजी अल्लाह ने फरमाया कि बैतुल्ला का कोई जुज़ ऐसा नहीं जिसे छोड़ दिया जाए और अब्दुल्ल् बिन जुबैर भी तमाम अरकान का इस्तेमाल करते थे सही बुखारी हदीस तमर एक हज़ार छः सौ आठ लेस बिन साद ने बयान किया उनसे से इबन शहाब ने उनसे सालिम बिन अब्दुल्ला ने उनसे उनके वालिद हज़रत अब्दुल्लह बिन उमर रदील्ला ने कि मैंने नबी करीम सल्ह वसम को सिर्फ दोनों यमानी अरकान का इस्तम करते देखा सही बुखारी हदीस तमर एक हज़ार छः सौ नौ ज़ैद बिन असलम ने ख़बर दी उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि मैंने देखा कि हजरत उमर बिन ख़ाब रज़ी अन्ों ने हजर असवद को बोसा दिया और फिर फ़रमाया कि अगर मैं रसूल अल्लाह को तुझे बोसा देते ना देखता तो मैं कभी तुझे बोसा ना देता सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ दस ज़ुबैर बिन अरबी ने बयान किया कि एक शख्स ने इब्न उमर रदी अल्लाह से हजर असवद के बोसा देने के मतलब पूछा तो उन्होंने बतलाया कि मैंने रसूल रसोल्ला सल्ला वसलम को इसको बोसा देते देखा है इस पर उस शख्स ने कहा अगर हजूम हो जाए और मैं आजिज़ हो जाऊँ तो क्या करूँ इबन उमर रदी अल्लाह ने फरमाया कि इस अगर वगर को यमन में जाकर रखो मैंने तो रसूल अल्लाह रसूल्लासम को देखा क्या आप इसको बोसा देते थे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ ग्यारह खालिद हजाने अकरमा से बयान किया उनसे इबन अब्बास रदी ने कि नबी करीम सल्हस एक ऊँटनी पर सवार होकर काबे का तवाफ़ कर रहे थे और जब भी आप हजर असवद के सामने पहुँचते तो किसी चीज़ से उसकी तरफ इशारा करते थे सही बुखारी हदीस एक हज़ार छः सौ बारह खालिद हजाने ने बयान किया उनसे अक्रमा ने और उनसे इबन अब्बास रजी अल्लाह ने बयान किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्ला का तोाफ़ एक ऊँटनी पर सवार रहकर किया जब भी आप हजर असवद के सामने पहुँचते तो किसी चीज़ से उसकी तरफ इशारा करते और तकबीर कहते खालिद तहान के साथ इस हदीस को इब्राहीम बिन तहमान ने भी खालिद हजार से रिवायत किया है सही बुखारी हदीस तमरे एक हज़ार बिन हारिस ने मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अबुलसवद से ख़बर दी उन्होंने कहा कि मैंने मैंनेवा से हज का मसला पूछा तो उन्होंने फ़रमाया कि आयशा रजी अल्ला ने मुझे ख़बर दी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का तशरीफ़ लाए तो सबसे पहला काम आपने ये किया कि वज़ू किया फिर तवाफ़ किया और तवाफ़ करने से उम्र नहीं हुआ इसके बाद अबू बकर और हज़रतमर रदील्ला ने भी इसी तरह हज किया फिर ने कहा कि मैंने अपने वाल ज़ुबैर के साथ हज किया उन्होंने भी सबसे पहले तवाफ़ किया महाजरीन और अंसार को भी मैंने इसी तरह करते देखा था मेरी वालिदा असमा बिनते अबी बकर रज़ी ने भी मुझे बताया कि उन्होंने अपनी बहन आयशा रजील् और ज़ुबैर और फ़लाँ फ़लाँ के साथ उम्रे का अहराम बाँधा था जब इन लोगों ने हजर असवद को बोसा दे लिया तो अहराम खोल डाला था सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ चौदह एक हज़ार छः सौ पंद्रह मूसा बिन अकबा ने बयान किया उन्होंने नाफ़े से बयान किया और उनसे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदील्लान्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्ह वसलम ने मक् आने के बाद सबसे पहले हज और उमरे का तवाफ किया था उसके तीन चक्करों में आपने सई रमल की और बाकी चार में हसप मामूल चले फिर तवाफ़ की दो रकत नमाज़ पढ़ी और सफ़ा मरवा की सई की सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ सोलह अनस बिन अयाज़ ने बयान किया उनसे उबैदुल्लाह उमरी ने उनसे नाफ़े ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर उन्होंने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब का पहला तवाफ़ यानि तवाफ़ कदूम करते तो उसके तीन चक्करों में आप दौड़ कर चलते और चार में मामूल के मुआफ़ चलते फिर जब सफ़ा और मरवा की सई करते तो बतने मसील वादी में दौड़ कर चलते सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ सत्रह इब्ने जरीज ने बयान किया और उन्हें अताने ख़बर दी कि जब इब्ने हिशाम जब वो हिशाम बिन अब्दुल मलिक की तरफ से मक्के का हाकिम था ने औरतों को मर्दों के साथ तवाफ करने से मना कर दिया तो इससे उन्होंने कहा कि तुम किस दलील पर औरतों को इससे मना कर रहे हो जबकि रसूल अल्लाह वसल्लम की पाक बीवियों ने मर्दों के साथ तवाफ़ किया था इब्ने जरीज ने पूछा यह पर्दा की आयत नाजिल होने के बाद का वाकया है या उससे पहले का उन्होंने कहा मेरी उम्र की कसम मैंने उन्हें पर्दे की आयत नाजिल होने के बाद देखा इस पर इब्ने जरीज ने पूछा कि फिर मर्द औरत मिलजुल जाते थे उन्होंने फरमाया कि इख्तलात नहीं होता था आयशा रद्ल मर्दों से अलग रहकर एक अलग कोने में तवाफ करती थीं उनके साथ मिलकर नहीं करती थीं एक औरत वक़रा नामी ने उनसे कहा मोमिनीन चलिए हजरे असवद को बोसा दें तो आपने इनकार कर दिया और कहा तू जा चूम मैं नहीं चूमती और अजवाज मतहरात रात में पर्दा करके निकलती थी कि पहचानी न जाती और मर्दों के साथ तवाफ़ करती थी अलबतः औरतें जब काबे के अंदर जाना चाहती तो अंदर जाने से पहले बाहर खड़ी हो जाती और मर्द बाहर आ जाते तो वो अंदर जाती मैं और उबैद बिन उमैर आयशा रदील्न की खिदमत में उस वक्त हाज़िर हुए जब आप तबीर पहाड़ पर ठहरी हुई थी जो मुज़दलफा में है इब्ने जरीज ने कहा कि मैंने अता से पूछा कि उस वक्त पर्दा किस चीज़ से था अता ने बताया कि एक तरक्की कुबा में ठहरी हुई थी उस पर पर्दा पड़ा हुआ था हमारे और उनके दरमियान इसके सिवा और कोई चीज़ हाइल न थी उस वक्त मैंने देखा कि उनके बदन पर एक गुलाबी रंग का कुर्ता था सही बुखारी हदीस नंबर 1618 और औरवा बिन जुबैर ने बयान किया उनसे ज़ैनब बिनते तभी सलमा ने उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मुताहरा उम्म सलमा रदी अल्लाह ने बयान किया उन्होंने कहा कि मैंने सल्लल्लाहु सल अलैहि वसल्लम से अपने बीमार होने की शिकायत की कि मैं पैदल तवाफ़ नहीं कर सकती तो आपने फ़रमाया कि सवारी पर चढ़ और लोगों से अलीदा रहकर तवाफ़ कर ले चनाचा मैंने आम लोगों से अलग रहकर तवाफ़ किया उस वक्त रसूल अलैहि वसल्लम काबे के बाज़ू में नमाज़ पढ़ रहे थे और आप व मस्तूर करत कर रहे थे सही बुखारी एक हज़ार छः सौ उन्नीस ताउस ने ख़बर दी और उन्हें इबन अब्बास रदी अल्लाहने कि नबी करीम काबे का तवाफ़ करते हुए एक ऐसे शख्स के पास से गुजरे जिसने अपना हाथ एक दूसरे शख्स के हाथ से तस्मा या रस्सी या किसी और चीज से बांध रखा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उसे काट दिया और फिर फरमाया कि अगर साथ ही चलना है तो हाथ पकड़ के चलो सही बुखारी हदीस नंबर 1620 इब्ने जरीज ने बयान किया उनसे सुलेमान अहोल ने उनसे ताऊस ने और उनसे इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ने देखा कि एक शख्स काबे का तवाफ़ रस्सी या किसी और चीज़ के ज़रिए कर रहा है तो आपने उसे काट दिया सही बुखारी अजीज नंबर एक हज़ार छः सौ इक्कीस हमीद बिन रहमान ने बयान किया और उन्हें अबू हुरेरा रदी अल्ला ने ख़बर दी कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तहों ने उस हज के मौके पर जिसका अमीर रसूल सल्लासम ने उन्हें बनाया था उन्हें दसवीं तारीख को एक मजमे के सामने यह ऐलान करने के लिए भेजा था कि इस साल के बाद कोई मुशरिक हज बैतुल्ला नहीं कर सकता और न कोई नंगा रहकर तवाफ कर सकता है सही बुखारी एक हज़ार छः सौ बिन आइना ने बयान किया उनसे उम्रों ने बयान किया उन्होंने कहा कि हमने अब्दुल्ला बिन उमर रद्ला से पूछा कि क्या कोई उम्र में सफा मरवा की सही से पहले अपनी बीवी से हम बिस्तर हो सकता है उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और काबे का तवाफ़ सात चक्करों से पूरा किया फिर मक़ाम इब्राहिम के पीछे दो रकत नमाज़ पढ़ी और सफ़ा मरवा की सई की फिर अब्दुल्लाह बिन उमर नमर अल्लाह उन्होंने फ़रमाया कि तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में बेहतरीन नमूना है सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ तेईस उमरों ने कहा कि फिर मैंने जाबिर बिन अब्दुल्ल हरद् से इसके मतलक मालूम किया तो उन्होंने बताया कि सफ़ा मरवा की सही से पहले अपनी बीवी के क़रीब भी न जाए सही बुखारी हदीस निक हज़ार छः सौ चौबीस करीब अब्दुल्ला बिन अब्बास रद्हों से ख़बर दी उन्होंने कहा कि रसूल सल्हुस मक्का तशरीफ़ लाए और सात चक्करों के साथ तवाफ़ किया फिर सफ़ा मरवा की सई की उस सई के बाद आप काबा उस वक्त तक नहीं गए जब तक अरफात से वापस न लौटे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ पच्चीस इमाम मालिक रहमहुल्ला ने खबर दी उन्हें मोहम्मद बिन रहमान ने उन्हें उर्वा ने उन्हें जैनब ने और उन्हें मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ने कि मैंने रसूल सल्हु वसलम से शिकायत की दूसरी संद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कहा कि मुझसे मोहम्मद बिन हरब ने बयान किया उन्होंने कहा कि हमसे अबू मरवान यहया बिन अबी ज़करिया ग़स्सानी ने बयान किया उनसे हिशाम ने उनसे औरवा ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा, उम्मे सलमा रदी अल्लाह ने कि रसूल सल्हुह व वसलम जब मक् और वहाँ से चलने का इरादा हुआ तो उम सा ने क़बे का तवाफ़ नहीं किया और वो भी रवानगी का इरादा रखती थीं। आपने उनसे फ़रमाया कि जब सुबह की नमाज खड़ी हो और लोग नमाज पढ़ने में मशगूल हो जाएं, तो तुम अपनी ऊंटनी पर तवाफ कर लेना चुनाचा उम्मे सलमा रजा ने ऐसा ही किया और उन्होंने बाहर निकलने तक तवाफ की नमाज नहीं पढ़ी सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ छब्बीस उम्र बिन दीनार ने बयान किया उन्होंने कहा कि मैंने इबिन उमर रद्ला से सुना उन्होंने कहा कि नबी करीम वसल्लम मक्के में तशरीफ़ लाए तो आपने खाने क़ाबा का सात चक्करों से तवाफ़ किया और मक़ाम इब्राहिम के पीछे दो रकत नमाज़ पढ़ी फिर सफ़ा की तरफ़ सई करने गए और अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ सत्ताईस यजीद बिन जोरी ने बयान किया उनसे हबीब ने उनसे उनसे ने उनसे उर्वा ने, उनसे हज़रत आयशा सद्दीक़ा रदी ने कि कुछ लोगों ने सुबह की नमाज के बाद का तवाफ़ किया फिर एक वाज करने वाले के पास बैठ गए और जब सूरज निकलने लगा तो वो लोग नमाज तवाफ़ की दो रकत पढ़ने के लिए खड़े हो गए इस पर हज़रत आयशा रद्ल ने नागवारी के साथ फ़रमाया जब से तो ये लोग बैठे थे और जब वो वक्त आया कि जिसमें नमाज मक़रू है तो नमाज के लिए खड़े हो गए सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ मूसा बिन उक्बा ने बयान किया उनसे नाफ़े कि ने कि किब्दुल्लह बिनुमरद्हों ने फ़रमाया मैंने नबी करीम से सुना है आप अलैहि वसल्लम सूरज तुलू होते और ग़रूब होते वक्त नमाज पढ़ने से रोकते थे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ उनतीस अब्दुलअज़ीज़ बिन रफ़ी ने बयान किया कहा कि मैंने अब्दुल्लह बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह को देखा कि आप फजर की नमाज के बाद तवाफ़ कर रहे थे और फिर आपने दो रकत तवाफ़ की नमाज पढ़ी सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ तीस अब्दुलअज़ीज़ ने बयान किया कि मैंने अब्दुल्लह बिन जुबैर रदी अल्लाह को असर के बाद भी दो रकत नमाज पढ़ते देखा था वो बताते थे कि आयशा रदी अल्लाह ने उनसे बयान किया कि रसूल अल्लाह रसुल्लह वसल्लम जब भी उनके घर आते असर के बाद तो ये दो रकत ज़रूर पढ़ते थे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ इकतीस खालिद तहान ने खालिद हज़ा से बयान किया उनसे अक्रमा ने उनसे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ने कि रसूल सल्ला सल ने बेतुल्ला का तवाफ़ ऊँट पर सवार होकर किया आप जब भी तवाफ़ करते हुए हजरे असवद के नज़दीक आते तो अपने हाथ को एक चीज़ छड़ी से इशारा करते और तकबीर कहते सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ बत्तीस उर्वा ने बयान किया उनसे ज़ैनब बिनते उम सें उनसे ने कि मैंने रसुल्ल वसम से शिकायत की कि मैं बीमार हो गई हूँ आप सल्हुह वसम ने फरमाया फिर लोगों के पीछे से सवार होकर तवाफ़ कर ले चुनाचा मैंने जब तवाफ़ किया तो उस वक्त रसूल वसल्लम बैतुल्ला के बाजू में नमाज़ के अंदर वूर व किताब मस्तूर की करत कर रहे थे सही बुखारी हदीसतंबर एक हज़ार छः सौ तैंतीसबैदुल्ल्हरी ने बयान किया उनसे नाफ़े ने उनसे हज़रत अब्दुल्लह बिन उमर रज़ील्हों ने बयान किया किब्बास बिन अब्दुलमतलब ऱी अल्लाह ने रसूल सल्लाम से अपने पानी जमज़म का हाजियों को पिलाने के लिए मिना के दोनों में मक्का ठहरने की इजाज़त चाहिए तो आप अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ चौंतीस खालिद तहान ने खालिद हजार से बयान किया उनसे अकरमा ने उनसे इब्ने अब्बास रद्ला ने कि रसूल सल्ला पानी पिलाने की जगह जमज़म के पास तशरीफ़ लाए और पानी मांगा हज के मौके पर अब्बास रदी अल्लाह उन्होंने कहा कि फजल अपनी माँ के यहाँ जा और उनके यहाँ से खजूर का शरबत ला लेकिन रसूल वसल्लम ने फरमाया कि मुझे यही पानी पिलाओ अब्बास ऱी ने अर्ज़ किया या वसल्लम हर शख्स अपना हाथ इसमें डाल देता है इसके बावजूद रसूल वसल्लम यही कहते रहे कि मुझे यही पानी पिलाओ चुनाचा आपने पानी पिया फिर जमज़म के करीब आए लोग कुएं से पानी खींच रहे थे और काम कर रहे थे आपने उन्हें देख कर फरमाया काम करते जाओ कि एक अच्छे काम पर लगे हुए हो फिर फरमाया अगर ये ख्याल न होता कि आइंदा लोग तुम्हें परेशान कर देंगे तो मैं भी उतरता और रस्सी अपने इस पर रख लेता मुराद आपकी शान से थी आपने इसकी तरफ़ इशारा करके कहा था सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ पैंतीस ने ख़बर दी उन्हें ज़ाहरी ने उन्होंने कहा कि हमसे अनसबिन मालिक ऱी अल्लाह उन्होंने बयान किया कि जर ऱी अल्लाहों उन्होंने बयान किया कि रसूल अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब मैं मक्के में था तो मेरी घर की छत खुली और जबरइल नाजिल हुए उन्होंने मेरा सीना चाक किया और उसे जमज़म के पानी से धोया उसके बाद एक सोने का तश्त लाए जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था उसे उन्होंने मेरे सीने में डाल दिया और फिर सीना बंद कर दिया अब वो मुझे हाथ से पकड़कर कर आसमान दुनिया की तरफ ले चले आसमान दुनिया के दारुगा से अलैहिस्सलाम ने कहा दरवाज़ा खोलो उन्होंने दरियाफ्त किया कौन साहब हैं कहा अलैहिस्सलाम सही बुखारी अधिसंबर एक हज़ार छः सौ छत्तीस मरवान बिन माविया फजारी ने खबर दी उन्हें आसिम ने और उन्हें शाबी ने कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ने उनसे बयान किया कहा कि मैंने वसल्लम को जमजम का पानी पिलाया था आपने पानी खड़े होकर पिया था आसिम ने बयान किया कि अकरमा ने कसम खाकर कहा कि आ हज़रत अलैहि वसल्लम उस दिन ऊँट पर सवार थे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ सैंतीस इमाम मालिक ने इब्ने शहाब से ख़बर दी उन्हें उर्वाने और उनसे आयशा रदी अल्लाह ने कहा कि विदा में हम वसल्लम के साथ मदीने से निकले और हमने उमरे का अहराम बांधा फिर आज़ूर सल्लाम ने फरमाया कि जिसके साथ जानवर हो वो हज और उमरा दोनों का एक साथ अहराम बांधे ऐसे लोग दोनों के अहराम से एक साथ हलाल होंगे मैं भी मक्के आई थी लेकिन मुझे हैज आ गया था इसलिए जब हमने हज के काम पूरे कर लिए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अब्दुल रहमान के साथ तनाइम की तरफ भेजा मैंने वहाँ से उमरे का अहराम बांधा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हारे उस उमरे के बदले में है जिसे हैज़ की वजह से छोड़ दिया था जिन लोगों ने उम्र का अहराम बांधा था उन्होंने सही के बाद अहराम खोल दिया और दूसरा तवाफ़ मिना से वापसी पर किया लेकिन जिन लोगों ने हज और उम्र का अहराम एक साथ बांधा था उन्होंने सिर्फ़ एक तवाफ़ किया सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ अड़तीस बिन अलह ने बयान किया उनसे सेूब सख्तियानी ने उनसे नाफ़े ने इब्ने उमर रद्ला के लड़के अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह उनके यहाँ गए हज के लिए सवारी घर में खड़ी हुई थी उन्होंने कहा कि मुझे ख़तरा है कि इस साल मुसलमानों में आपस में लड़ाई हो जाएगी और आपको वो बैतुल्ला से रोक देंगे इसलिए अगर आप ना जाते तो बेहतर होता इब्न उमर रद्ला उन्होंने जवाब दिया कि रसूल वसल्लम भी तशरीफ़ ले गए थे उम्र करने सुलहदेविया के मौके पर और कुफ़ार कुरेश ने आपको बैतुल्ला तक पहुँचने से रोक दिया था इसलिए अगर मुझे भी रोक दिया गया तो मैं भी वही करूंगा जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था और तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है फिर आपने फ़रमाया कि मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपने उम्र के साथ हज अपने ऊपर वाजिब कर लिया है उन्होंने बयान किया कि फिर आप मक्का आए और दोनों उम्रा और हज के लिए एक ही तवाफ़ किया सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ उनतालीस लेस बिन साद ने नाफ़े से बयान किया कि जिस साल हज अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजील्हों के मुकाबले में लड़ने आया था अब्दुल्लाह बिन उमर रजील्हों ने जब उस साल हज का इरादा किया तो आपसे कहा गया कि मुसलमानों में बाहम जंग होने वाली है और यह भी ख़तरा है कि आपको हज से रोक दिया जाए आपने फ़रमाया तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह वसलम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है ऐसे वक्त मैं भी वही काम करूँगा जो रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने किया था तुम्हें तो गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपने ऊपर उम्रा वाजिब कर लिया है फिर आप चले और जब बैदा के मैदान में पहुँचे तो आपने फ़रमाया कि हज और उम्र तो एक ही तरह के हैं मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपने उमरे के साथ हज भी वाजिब कर लिया है आपने एक कुर्बानी भी साथ ले ली जो मकाम कदीद से ख़रीदी थी इसके सिवा और कुछ नहीं किया दसवीं तारीख़ से पहले ना आपने कुर्बानी की न किसी ऐसी चीज़ को अपने लिए जायज़ किया जिससे अहराम की वजह से आप रुक गए थे न सर मुंडवाया न बाल तरशवाए दसवीं तारीख में आपने कुर्बानी की और बाल मुंडवाए आपका यही ख्याल था कि आपने एक तवाफ़ से हज और उम्र दोनों का तवाफ अदा कर लिया है उमर भीमर अल्लाह उन्होंने भी फरमाया कि रसूल अल्लाह वसल्लम ने भी इसी तरह किया था सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ चालीस उमरो बिन हारिस ने ख़बर दी उन्हें मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन नौफ़िल करशी ने उन्होंने उर्वा बिन जुबैर से पूछा था, थावा ने कहा कि नबी करीम सल वम ने जैसा कि मालूम है हज किया था मुझे उमुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदी ने इसके मतलब ख़बर दी कि जब आप मक्जमा आए तो सबसे पहला काम ये किया क्या आपने वज़ू किया फिर क़बे का तवाफ़ किया ये आपका उम्र नहीं था इसके बाद अबू बकर रज़ी ने हज किया और आपने भी सबसे पहले काबे का तवाफ़ किया जबकि ये आपका भी उम्र नहीं था उमर रजा ने भी इसी तरह किया फिर उस्मान रज़ी ने हज किया मैंने देखा कि सबसे पहले आपने भी काबे का तवाफ़ किया आपका भी ये उम्र नहीं था फिर मुआविया और अब्दुल्लाह बिन उमर रदी का ज़माना आया फिर मैंने अपने वालद ज़ुबैर बिन आवा रद्ह के साथ भी हज किया ये सारे अकाबिर पहले काबे ही के तवाफ़ से शुरू करते थे जबकि ये उम्र नहीं होता था इसके बाद महाजरीन और अनसार को भी मैंने देखा कि वो भी इसी तरह करते रहे और उनका भी ये उम्र नहीं होता था आखिरी ज़ात जिसे मैंने इस तरह करते देखा वो हज़रत अब्दुल्ला बिनुमर रदी की थी वो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी की थी उन्होंने भी उम्रा नहीं कियाबन उमर रदी भी मौजूद हैं लेकिन उनसे लोग इसके मुतल पूछते नहीं इसी तरह जो हज़रा गुजर गए उनका भी मक् में दाखिल होते ही सबसे पहला कदम तवाफ़ के लिए उठता था फिर ये भी अहराम नहीं खोलते थे मैंने अपनी वालदा असमा बिनते अभी बकर ऱी और खाला आयशा सदीक़ा रदी अन्हा को भी देखा कि जब वो आती तो सबसे पहले तवाफ़ करतें और ये उसके बाद अहराम नहीं खोलती थी सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ इकतालीस और मुझे मेरी वालिदा ने ख़बर दी कि उन्होंने अपनी बहन और ज़ुबैर और फ़लाँ फ़लाँ अन्हुम के साथ उम्र किया है ये सब लोग हजर स्वद का बोसा लेते तो उम्र का अहराम खोल देते सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ बयालीस औरवा ने बयान किया कि मैंने मोमिनीन हजरत आयशा उमुलमिन हज़रतारद्ला से पूछा कि अल्लाह ताला के इस फरमान के बारे में आपका क्या ख्याल है जो सूरह बकरा में है कि सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं इसलिए जो बैतुल्ला का हज या उम्रा करे उसके लिए इनका तवाफ़ करने में कोई गुनाह नहीं कसम अल्लाह की फिर तो कोई हज नहीं होना चाहिए अगर कोई सफ़ा और मरवा की सही न करनी चाहे हज़रत आयशा रदील्हा ने फरमाया भतीजे तुमने ये बुरी बात कही अल्लाह का मतलब ये होता तो कुरान में यूँ उतरता इनके तवाफ़ न करने में कोई गुनाह नहीं बात यह है कि ये आयत तो अनसार के लिए उतरी थी जो इस्लाम से पहले मनात बुद्ध के नाम पर जो मशल में रखा हुआ था और जिसकी ये पूजा किया करते थे एहराम बाँधते थे ये लोग जब जमाने जाहिलियत में अहराम बांधते तो सफ़ा मरवा की सही को अच्छा नहीं ख्याल करते थे अब जब इस्लाम लाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतालिक पूछा और कहा कि या रसूल हम सफा और मरवा की सही अच्छी नहीं समझते थे इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फ़रमाई कि सफा और मरवा दोनों अल्लाह की निशानियां हैं आखिर आयत तक हज़रत आयशा सिद्दीक़रद अल्ला ने फरमाया कि अलैहि वसल्लम ने इन दो पहाड़ों के दरमियान सई की सुन्नत जारी की है इसलिए किसी के लिए मुनासिब नहीं कि इसे तर्क कर दे उन्होंने कहा कि फिर मैंने इसका ज़िक्र अबू बकर बिन रहमान से किया तो उन्होंने फ़रमाया कि मैंने तो ये इल्मी बात अब तक नहीं सुनी थी बल्कि मैंने बहुत से अबाब इल्म से तो यह सुना है वो यूं कहते थे कि अरब के लोग उन लोगों के सिवा जिनका हज़रत आयशा आयश सदीकारदी अल्लाह ने जिक्र किया जो मनात के लिए अहराम बांधते थे सब सफा मरवा का फेरा किया करते थे जब अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में बैतुल्ला के तवाफ़ का जिक्र फ़रमाया और सफा मरवा का जिक्र नहीं किया तो वो लोग कहने लगे या रसूल अल्लाह सल वसम हम तो जाहलीत के ज़माने में सफा और मरवा का फेरा किया करते थे और अब अल्लाह ने बैतुल्ला के तवाफ़ का जिक्र तो फरमाया लेकिन मरवा का जिक्र नहीं किया तो क्या सफा मरवा की सही करने में हम पर कुछ गुनाह होगा तब अल्लाह ने यह आयत उतारी सफा मरवा अल्लाह की निशानियां हैं आखिर आयत तक अबू बकर ने कहा मैं सुनता हूँ कि ये आयत दोनों फ़िरक़ों के बाब में उतरी है यानी उस फ़िरक़े के बाब में जो जाहिलियत के ज़माने में सफा मरवा का तवाफ़ बुरा जानता था और उसके बाद में जो जाहिलियत के ज़माने में सफा मरवा का तवाफ किया करते थे फिर मुसलमान होने के बाद इसका करना इस वजह से कि अल्लाह ने बैतुल्ल्ह के तवाफ़ का ज़िक्र किया और सफा मरवा का नहीं किया बुरा समझे यहाँ तक कि अल्लाह ने बेतुल्ला के तवाफ़ के बाद इनके तवाफ़ का भी जिक्र फ़रमा दिया सही बुखारी हदीस नंबर 1643 ईसा बिन यूनुस ने बयान किया उनसे उबैदुल्लाह बिन उमर ने उनसे नाफ़े ने और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी ने बयान किया कि जब रसूल अल्लाह वसल्लम पहला तवाफ़ करते तो उसके तीन चक्करों में रमल करते और बकिया चार में मामूल के मुताबिक चलते और जब सफ़ा और मरवा की सई करते तो आप नाले के नशेब में दौड़ा करते थे अबैदुल्ला ने कहा मैंने नाफ़े से पूछा इब्ने उमर रदी अल्लाह जब रुकन यमानी के पास पहुँचते तो क्या पे मामूल चलने लगते थे उन्होंने फरमाया कि नहीं अलबत् अगर रुकन यमानी पर हजूम होता तो हजर असवद के पास आकर आप आहिस्ता चलने लगते क्योंकि वो बग़ैर चूमे उसको नहीं छोड़ते थे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ बिन आइना ने उमरो बिन दीनार से बयान किया कि हमने इबन उमर रदील्ला से एक ऐसे शख्स के मुतल पूछा जो उम्र में बेतुल्ला का तवाफ तो कर ले लेकिन सफ़ा और मरवा की सही नहीं करता क्या वो अपनी बीवी से सोहबत कर सकता है उन्होंने जवाब दिया नबी करीम अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ़ लाए तो आपने बैतल्ला का सात चक्करों के साथ तवाफ़ किया और मकाम इब्राहिम के पीछे दो रकत नमाज़ पढ़ी फिर सफ़ा और मरवा की सात मरतबा सही की और तुम्हारे लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार छः सौ पैतालीस हमने इसके मुतालिक जाबिर बिन अब्दुल्ल रजी अल्ला से भी पूछा तो आपने फरमाया कि सफ़ा और मरवा की सही से पहले बीवी के करीब भी ना जाए सही बुखारी हदीस नंबर एक हजार सौ छियालीस बिन दीनार ने खबर दी कहा कि मैंने अब्दुल्ला बिन उमर रजील् से सुना आपने कहा कि नबी करीम वसल्लम जब मक्का तशरीफ लाए तो आपने बैतुल्ला का तवाफ़ किया और दो रकत नमाज पढ़ी फिर सफ़ा और मरवा की सई की इसके बाद अब्दुल्लाह ने यह आयत तिलावत की तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ अहोल ने खबर दी उन्होंने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक रदील्लान्हों से पूछा क्या आप लोग सफ़ा और मरवा की सही को बुरा समझते थे उन्होंने फ़रमाया हाँ क्योंकि ये अहद जाहलीत का शार था यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमा दी सफा और मरवा अल्लाह की निशानियाँ हैं बस जो कोई बैतुल्ला का हज या उम्रा करे उस पर इनकी सही करने में कोई गुनाह नहीं है सही बुखारी हदीस नंबर एक सुफ़ियान बिन आइना ने बयान किया उनसे उम्र बिन दीनार ने उनसे अता बिन नबी रुबाह ने और उनसे अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ने कि रसूल अल्लाह वसल्लम ने बैतल्ला का तवाफ़ और सफ़ा मरवा की सई इस तरह की कि मश्रकिन को आप अपनी क़वत दिखला सकें हमीदी ने यह इजाफ़ा किया है कि हमसे सफ़ियान बिन आइना ने बयान किया उन से बिन दीनार ने बयान किया कहा कि मैंने अता से सुना और उन्होंने इब्न अब्बास रदील्ला से यही हदीस सुनी सही बुखारी हदीस नंबर 1649 अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी उन्हें रहमान बिन कासिम ने उन्हें उनके बाप ने और उन्हें उम्मुल उमुलम हज़रत आयशा आयशीक़ा रदी ने उन्होंने फ़रमाया कि मैं मक्का आई तो उस वक्त मैं हायज़ा थी इसलिए बैतुल्ला का तवाफ़ न कर सकी और न सफ़ा मरवा की सही उन्होंने बयान किया कि मैंने इसकी शिकायत रसूल अलैहि वसल्लम से की तो आपने फरमाया कि जिस तरह दूसरे हाजी करते हैं तुम भी उसी तरह अरकान हज अदा कर लो हाँ बैतुल्लाह का तवाफ पाक होने से पहले न करना सही बुखारी हदीस नंबर 1650 अब्दुल वहाब सकफ़ी ने बयान किया दूसरी सनद मुझसे खलीफा बिन ख़यात ने बयान किया कि हमसे अब्दुल वहाब सकफी ने बयान किया कहा कि हमसे हबीब मुअल्लम ने बयान किया उनसे अता बिन नबी रबाह ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ने कि नबी करीम वसल्लम और आपके अहाब ने हज का अहराम बांधा आ अलैहि वसल्लम और तलहा के सिवा और किसी के साथ कुर्बानी नहीं थी हज़रतली ऱी अल्लाह यमन से आए थे और उनके साथ भी कुर्बानी थी इसलिए नबी करीम अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सब लोग अपने हज के अहराम को उम्र का कर लें फिर तवाफ़ और सई के बाद बाल तरशवा लें और अहराम खोल डालें लेकिन वो लोग इस हुक्म से मुस्ना हैं। इस पर सहाबरद्ह ने कहा इस पर सहाबरदिल्ला ने कहा कि क्या हिना में, में इस तरह जाएंगे कि हमारे जकर से मनी टपक रही हो ये बात जब रसूल को मालूम हुई तो आपने फ़रमाया अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं कुर्बानी का जानवर साथ न लाता और जब कुर्बानी का जानवर साथ न होता तो मैं भी उम्रा और हज के दरमियान अहराम खोल डालता और आयशा इस हज में हायज़ा हो गई थी इसलिए उन्होंने बैतुल्ला के तवाफ़ के सिवा और दूसरे अरकान हज अदा किए फिर जब पाक होली तो तवाफ़ भी किया उन्होंने रसोल्ला सल्ह वसलम से शिकायत की आप सब लोग तो हज और उम्र दोनों करके जा रहे हैं लेकिन मैंने सिर्फ हज ही किया है चुनाचा रहमान बिन अभी बकर को हुक्म दिया कि इन्हें तनाइम ले जाएं और वहां से उम्र का अहराम बांधें इस तरह आयशा रदील ने हज के बाद उम्र किया सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार सौ इक्यावन इस्माइल बिन अल ने बयान किया उनसे अयूब सख्तियानी ने और उनसे हफ्सा बिन तसरीन ने बयान किया कि हम अपनी कमारी लड़कियों को बाहर निकलने से रोकते थे फिर एक ख़ातून आई और बनी खलफ़ के महल में जो बसरे में था ठहरी उन्होंने बयान किया कि उनकी बहन उम्मिया रज़ी नबी करीम सल्हु वसलम के एक सहाबी के घर में थी उनके शोहर ने आ हज़रत सल्हु वसलम के साथ बारह जहाद किए थे और मेरी बहन छः जहादों में उनके साथ रही थी वो बयान करती थीं कि हम मैदान जंग में जख्मियों की मरहम पट्टी करती थीं और मरीज़ों की तीमारदारी करती थीं। मेरी बहन ने रसूल्ला सल्लासम से पूछा कि अगर हमारे पास चादर न हो तो क्या कोई हर्ज है अगर हम ईदगाह जाने के लिए बाहर न निकलें आ हज़ूर सलिल्ला वसम ने फरमाया इसकी सहेली को अपनी चादर उसे ओढ़ा देनी चाहिए और फिर मुसलमानों की दुआ और नेक कामों में शिरकत करनी चाहिए फिर जब उम अतिया रजी अल्लाह ख़ुद बसरा आई तो मैंने उनसे भी यही पूछा या यह ये कहा कि हमने उनसे पूछा उन्होंने बयान किया कि उम अतिया अनहा जब भी रसूल्लासम का जिक्र करती कहती मेरे बाप आप पर फ़िदा हों हाँ तो मैंने उनसे पूछा क्या आपने रसूल्ला सल्ला वसलम से इस तरह सुना है उन्होंने फ़रमाया कि हाँ मेरे बाप आप पर फिदा हों उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कमारी लड़कियां और परदे वालियाँ भी बाहर निकलें या यह फ़रमाया कि पर्दे वाली दोशी और हाइजा औरतें सब बाहर निकलें और मुसलमानों की दुआ और ख़ैर के कामों में शिरकत करें लेकिन हाइजा औरतें नमाज की जगह से अलग रहें मैंने कहा और हाइजा भी निकली उन्होंने फरमाया क्या हाइजा औरत अफात और फलां फलां जगह नहीं जाती हैं फिर ईदगाह ही जाने में क्या हर्ज है सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ बावन सफिया सूरी ने अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ी के वास्ते से बयान किया कहा कि मैंने अनस बिन मालिक रज़ील्हों से पूछा कि रसूल सहर और असर की नमाज आठवीं ज़िलहज में कहाँ पढ़ी थी अगर आपको आ हज़रत सल्लाम से याद है तो मुझे बताइए उन्होंने जवाब दिया कि मिना में मैंने पूछा कि बारहवीं तारीख को असर कहाँ पढ़ी थी फरमाया कि महसब में फिर उन्होंने फरमाया कि जिस तरह तुम्हारे हक काम करते हैं उसी तरह तुम भी करो सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ तिरपन अब्दुल अजीज़ बिन रफ़ी ने बयान किया कहा कि मैं अनसरदी से मिला दूसरी सनद, इमाम बुखारी रहा ने कहा और मुझसे इसमाइल बिन अबान ने बयान किया कहा कि हमसे अबू बकर बिन याश ने बयान किया उनसे अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि मैं आठवीं तारीख को मिना गया तो वहाँ अनस रदी अल्लाह से मिला वो गधी पर सवार होकर जा रहे थे मैंने पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन जहर की नमाज़ कहाँ पढ़ी थी उन्होंने फ़रमाया देखो जहाँ तुम्हारे हाकिम लोग नमाज पढ़ें वहीं तुम भी पढ़ो सही बुखारी हदीस नंबर एक यूनुस ने इब्ने शहाब से ख़बर दी कहा कि मुझे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उमर ने अपने बाप से ख़बर दी कि रसूल करीम अलैहि वसल्लम ने मना में दो रकात पढ़ी और अबू बकर और उमर रदील्ला भी ऐसा करते रहे और उस्मान रजी अल्लाह भी खिलाफत के अय्याम में दो ही रकत पढ़ते थे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ पचपन हारिसा बिन वहब ख़ज़ाई रदी अल्लाह उन्होंने बयान किया कि नबी करीम वसल्लम ने मना में हमें दो रकात पढ़ाई हमारा शुमार उस वक्त सब वक्तों से ज़्यादा था और हम इतने बेडर किसी वक्त में न थे इसके बावजूद हमको नमाज कसर पढ़ाई सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ छप्पन अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम वसल्लम के साथ मिना में दो रकत नमाज पढ़ी और अबू बकर रदी अल्लाहों के साथ भी दो ही रकत पढ़ी और उमर रदील्लाहों के साथ भी दो ही रकत लेकिन फिर इनके बाद तुम में इख्लाफ हो गया तो काश इन चार रकतों के बदले मुझको दो रकात ही नसीब होती जो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाएँ सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ सत्तावन सालम अबू नसर ने बयान किया कहा कि کہ मैंने उम फ़ल के ग़ुलाम उमेर से सुना उन्होंने उम फ़ल रिम से कि अरफ़ा के दिन लोगों को रसूल वसल्लम के रोज़े के मुतक शक हुआ इसलिए मैंने आपके पीने को कुछ भेजा जिसे आपने पी लिया सही बुखारी हदीस नंबर एक इमाम मालिक ने मोहम्मद बिन अबी बकर सकफ़ी से ख़बर दी कि उन्होंने अनस बिन मालिक रदील्ला से पूछा कि वो दोनों सुबह को मिना से अरफात जा रहे थे कि रसूल करीम वसल्लम के साथ आप लोग आज के दिन किस तरह करते थे अनस रद्ला ने बतलाया कि कोई हम में से लब्ग पुकारता होता इस पर कोई एतराज़ न करता और कोई तकबीर कहता इस पर भी कोई इनकार न करता इस हदीस से मालूम हुआ कि हाजी को इख्तियार है लब्बैग पुकारता रहे या तकबीर कहता रहे सही बुखारी हदीस नंबर एक हज़ार छः सौ उनसठ